का बदला। फीना इंसाफी का जुल्मों सितम सफाकी का सरकार की हर कम जरफी का निजाम की इस बदमाशी का वोट हिसाब करेगा सब वोट ही बदला लेगा अब जुल्म का बदला सितम का बदला जुल्म का बदला सितम का बदला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का जी माजरत सबसे पहले तो कि हम थोड़ा सा ताखीर से इसको इसका आगाज़ किया, हमने जो वक्त दिया था हम मुकर्रर वक्त पर इसको शुरू नहीं कर सके, थोड़े से कुछ लाइव प्रोग्राम के ग्लिचेस थे और इसके अलावा तमाम लोग जितने भी हैं हमारे गेस्ट हैं वो कोई किसी टी वी प्रोग्राम में था या वो अदालत में थे और जेल से वो वापस आ रहे और ये तमाम चीज़ें, लेकिन पहले गेस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ हैं। अलीमा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अलीमा इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद जेल के अंदर अदालत में सुबह से लेकर शाम तक, मतलब इतनी हिम्मत है आपकी, इतनी हिम्मत है आपकी, मैं तो कहता हूँ मैं तो हैरान हूँ और मुझे बड़ा हमें एज अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान और तमाम हमें आप पर बहुत ज्यादा फख्र है कि आप किस तरह से अपने भाई के साथ खड़े हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप कैसे हैं बताते खुद? अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में जब इमरान खान कहते हैं कि कॉज इतना बड़ा हो और जब आप सोचें कि वो जेल के अंदर बैठ के अगर कॉज के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हम तो बड़े आराम में हैं क्योंकि ज़्यादा वक्त अभी तो इस्लामाबाद में ही गुजर रहा है, यहाँ हम क्योंकि हम हमारी यहाँ भी रिहाइश है तो हमारा ज़्यादा वक्त अब इस्लामाबाद में ही है क्योंकि पिछले काफ़ी हफ्तों से तो रोज़ जेल में गुजरता है। अगर कोई पूछते आप किधर थे, सारा दिन हम जेल में होते हैं क्योंकि कोर्ट जेल में लगता है और छः दिन आजकल इन्होंने बड़ी जल्दी की हुई थी, कोई इनकी डेडलाइन थी जिसको इन्होंने पूरा करना था तो सारा दिन जेल में ही था। लेकिन जब आप इमरान खान की हिम्मत देखें तो वो मेरे ख्याल में हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनकी हिम्मत देखकर फिर हम भी उससे कम हिम्मत तो नहीं रख सकते ना। बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात है। और अब मैं अगर आपसे पूछूं क्योंकि आप हैं जो आकर हमें जेल से बाहर बताती रही हैं कि जी इमरान खान को इस तरह की सजा देना चाहते हैं, इमरान खान को ये वाली सजा दे देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप उसको लाइव देख रही थी, तो अगर थोड़ा सा इसको आप सम अप कर सकें कि ये पूरा जो केस है और बाकी जो केसेस हैं वो किस तरह से अदालतों में चल रही हैं, कैसे मौका फराहम किया जा रहा है, हाउ इज खान साहब हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस? देखिए इमरान खान ने तो मेरे ख्याल में पिछले साल ही बता दिया था कि ये इन्होंने कोई जो स्क्रिप्ट लिखी थी ये तो उसके मुताबिक ही चल रहे थे और मेरे ख्याल में काफ़ी अहमकाना स्क्रिप्ट है। अगर इन्होंने कोई स्क्रिप्ट प्लान की थी तो मेरे ख्याल में ये भूल गए थे कि अल्लाह ताला की भी स्क्रिप्ट है जो हम सबको इसमें यकीन रखना चाहिए, क्यों इन्होंने तो कोशिश की कि ये एक जो भी केसेस चलाए थे अगर इनको और कुछ नहीं मिला तो इतनी अहमकाना केस करना मेरे ख्याल में इन्होंने अपने साथ ही ज्यादती की। इमरान खान के साथ क्या ज्यादती की, इमरान खान तो चुप करके जेल में बैठे हैं और जो भी जेल के असूल हैं उसको भी फॉलो कर रहे हैं, वो कोई चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने कभी मांगी भी नहीं है और ना ही कोई असूल तोड़ते हैं। और उनको एक वो जिसको चक्की कहते हैं जो कैदियों के लिए होता है, वो मैं फिर सबको बताती हूँ कि वो हर दफ़ा कहते हैं कि जो कमरा मेरे पास है जिसके अंदर मेरे ख्याल में एक
बिस्तर होगा और एक थोड़ी सी साथ जगह है कि किताबें ज़्यादा रखने की भी जगह नहीं है। वो उनको हमेशा ये कहते हैं, ये ज़रूर बात करते हैं जब सेल की बात करें कि ये सोचो कि इसमें इतने ही सेल के अंदर छः छः लोग इन्होंने भरे हुए, कितना जुल्म है। तो वो जैसे हमारा दीन भी कहता है कि आप ऊपर ना देखो, ए क्लास और बी क्लास ना देखो, वो ये सोचते हैं कि बाकी कैदी कैसे रह रहे हैं। तो आप अगर उनकी हिम्मत देखें या उनकी बातें सुने जेल में, और जो जेल में गया है, जो कोर्ट में गया है, सहाफ़ियों को तो आपको पता है ना कि बेचारे जो आते हैं, अगर वो बात भी कर दें, इमरान खान की डिस्क्रिप्शन भी दे दें, शायद नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो बात नहीं कर सकते, तो हम ही आके बता सकते हैं। अगर हम बात करें, आप कहेंगे बायस्ड हैं, भाई के बारे में बात कर रही हैं तो इस तरह कर रही हैं, अगर मैं बात करूँ आपको इतना यकीन आने ही नहीं है। लेकिन वो इमरान खान तो माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है जेल में भी। और जो भी उनको देखता है, उनके लिए वो जब आते हैं अंदर चल कर, तो लोग हैरान रह जाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि आप हैरान क्यों होते हो। वो हैरान होते हैं कि जैसे वो बड़े खुश, जैसे कोई पता नहीं अपने सिटिंग रूम में आ रहे हैं, और वो बड़े आराम से चल के आते हैं और हंसते हुए आते हैं, सबसे बातें करते हुए आते हैं, और वो लगता ही नहीं है कि वो किसी जेल में है। तो अब आप क्या कह सकते हो, वो हम लगता है कि उनके मेहमान हैं और वो अपने घर में रिसीव कर रहे हैं। चलिए, जिब्रान भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम अच्छा, एक खान साहब एक बात करते हैं कि ये जेल में हूँ ये मेरे लिए इबादत है, तो मतलब इतना ज़्यादा जैसे एक पूरे मुल्क के लोगों की केयर करना, और ये बेसिकली है तो पाकिस्तानियों के लिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ये पाकिस्तानियों को जैसे क्या एक पैगाम आज देना चाहती हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट तो है ज़रूर, सही है, हम जितना भी कह लें कि मायूस ना हो, एक थोड़ा सा झटका तो लगता है ना कि इतने अजीम लीडर को ये किया जा रहा है, तो उनको आप क्या कहेंगी कि क्या उनका रद्द अमल होना चाहिए, क्या एक्शन आइटम होना चाहिए? देखिए, पहले मेरे ख्याल में इमरान खान की जिनको सजा हुई है, पहले उनकी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि हम तो हाई कोर्ट में खड़े थे, हम अपील कर रहे थे, हम पिटिशन्स लॉयर्स के साथ हम गए थे पिटिशन डालने के लिए कि हमारे लॉयर्स के साथ जो कल और परसों किया गया, वो मतलब सैटरडे और मंडे को, वो तो एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा तजर्बा था। हम मतलब शौक पे शौक पड़ रहा था, हमें शौक पड़ रहा था, और सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड। अब मैं एक बताऊँ कि इमरान खान वहाँ पर क्या कर रहे थे उस वक्त जब केस चल रहा था, लेकिन ये इतनी चीज़ के बावजूद पहले इमरान खान का पूछ लें कि उनका क्या तरीका था, और सब ने डिस्क्राइब किया होगा हमारी, मैं जब जेल पहुंची हूँ तो उन्होंने भी कहा, वो खुद भी इमरान खान बड़े एतमाद से बैठे थे, ऐसे लग रहा था जब उनको सेंटेंस हुई है कि इमरान खान की शक्ल पे ये था जैसे कि वो कामयाब हो गए हैं। अब ये सिर्फ वही बता सकते हैं कि वो क्यों लग रहा था कि वो कोई मैच जीत गए या वो कोई बाजी जीत गए, ये क्या चीज़। हम भी उनको, अगर आप देख रहे हैं, हालांकि भाई हैं हम तो हमेशा से उनको, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन हम उनको हमेशा से ही देखते थे फर्क तरीके से, क्योंकि हम बहनें हैं तो अब हम तो बिल्कुल बायस्ड होंगे, हमें तो हमेशा से वो इंस्पिरेशन होते थे छोटे होते से। लेकिन जो उनकी शक्ल पर जो एक्सप्रेशन बता रहे हैं सारे, वो उनकी सके पे, अब मुझे आप बताएं कि वो किस चीज़ की कामयाबी है उनकी। वो जेल में 10 साल आपको सजा मिल जाए तो वो, तो जब मैंने पूछा जाकर तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं समझता 15 साल की तो कम से कम होनी चाहिए, और हंस रहे थे। हाँ, अब वो आगे से जो कह रहे हैं कि आगे भाई 15 साल, मैं समझा तो 15 साल होगी, कहते मैं उठ के गया था ये सोच के 15 साल, कह रहे पता चला सिर्फ 10 साल है। तो अगर वो इस किस्म की बात करें तो आप मुझे बताएं, आप और मैं बैठ के रोएं, पहले आप उनसे पूछें वो क्यों समझ रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब उन्होंने इस बेचारे निजाम का, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ जेल में बैठकर आपका जो पूरा निज़ाम है इसको उन्होंने खुद ही, जो निज़ाम खुद था
उसने, अब मैं यही कह सकती हूँ, कपड़े उतार उतार के बस कुछ नहीं छोड़ा, यही हुआ ना। अब वो जो हरकतें कल हुई हैं, जो हरकतें आज हुई हैं, वो एक इतना बड़ा मजाक बन गया है कि आप उसको सीरियसली कैसे ले सकते हैं, जो उन्होंने तमाशे खुद किए हैं बेचारे अदालत में। पहले वो इंस्ट्रक्शन लेने जाते हैं बाहर, फिर वो वापस आते हैं कि वहाँ फोन कोई नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली आई थिंक मैंने ये भी सुना है आगन के, वो एक स्टेटमेंट आया खान साहब की तरफ से कि ये अगर जज 100 मीटर की रेस में भागते तो गोल्ड लेके आते, तो वो जैसे ही डिसीजन दिया वो भागे। लेकिन लेकिन डिसीजन से पहले भी वो बीच में भी कहीं जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। अच्छा, वो वैसे ये बात दुरुस्त है कि उनके यहाँ पर कोई हेडफोन टाइप लगा हुआ है, और वो जो खान साहब ने नहीं वो कहा, कर्नल साहब इमरान बोल रहा हूँ मैं, आप क्या नहीं वो मालूम। सामने कैमरा लगा हुआ है ना, सामने कैमरा लगा हुआ है, पर इधर उधर भी कैमरे लगे होंगे, माइक्स भी लगे हुए हैं। मैं तो यही तो कह रही हूँ, सारे हम समझते हैं जैसे हम पता नहीं किसके दुश्मन किसके हैं, हम सारी बातें हमारी सुन लो, हम कहते हैं सुन लो, मुझे ये भी नहीं समझ आती हम छुपा किसे रहे हैं, और हमारे पास क्या छुपाने के लिए। तो जो सुन लें, माइक सुन लें या गाड़ियां फॉलो कर लें, इसकी थोड़ी देर के बाद इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अच्छा, तो आपने जब जेल से बाहर निकली ना, जिस वक्त सजा सुनाई गई, तो आपने कहा कि मैं आपको परेशान नजर आ रही हूँ। मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आपने ये वाली बात की, और मैं हम आपको देख रहे थे, मैं आपका चेहरा भी देख रहा था, और वो तमाम चीजें, तो जिस तरह जिब्रान ने बात की उसी को मैं जरा उसी के तसलसल में आपसे बात करूंगा। दुख है कोई किसी चीज का कि मतलब एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क के लिए दे दी, आप फिर वो भाई हैं, मैं आप एज अ पाकिस्तानी भी अगर बात करूं, ठीक है आपकी बायस ओपिनियन जरूर होगी एज अ भाई, लेकिन अगर हम वैसे देखें माशरती तौर पर, एक एक इस मुल्क का इतना बड़ा स्टार, इस मुल्क का सबसे बड़ा हीरो, और उसके साथ ये तमाम चीजें हो रही, पूरी मुस्लिम उम्मा का यार, मतलब पूरी मुस्लिम उम्मा का। एग्जैक्टली देखें, जो वो चीज अचीव कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए सबक के लिए है। हम सबको समझना चाहिए कि वो कर तो हमारे लिए रहे ना, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव्स पहले क्लियर हो जाने चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप पहले अपने निज़ाम को अच्छी तरह समझ लें, और फिर इस निज़ाम को समझ के आप इसकी इस्लाह के लिए सब मिलके काम करें। अगर आप हमने इसको इस्लाह ना की, तो आप इमरान खान अपने आप को एक एग्जांपल बना के दिखा रहे हैं कि ये हमारा निज़ाम है जो किसी को दिल चाहे तो जेल में डाल दे, 200 केसेस कर दे, और वो ये ऑफर आए कि हम एक दिन के अंदर केसेस खत्म हो जाएंगे। ये केसेस बनते भी चलो गलत हैं, लेकिन ठीक कैसे हो जाते हैं एक दिन के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, हम सब ने उन्होंने अपने आप को एक एग्जांपल बना के हमें एक किस्म का लेसन सिखाने की कोशिश की है। अगर हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे, अपने निज़ाम की, पहले हमें भी तो तैयार होना चाहिए इस निज़ाम को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, तो हमें उससे और मेहनत करनी चाहिए, समझ और ये समझना चाहिए कि अगर हम सीख लें तो ये उनकी क्या कामयाबी होगी कि हमें अपना निज़ाम ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखा, और मैं आप सबको बड़ी दाद देता हूँ, बिकॉज आप जो सब हैं इतने हौसले से आए, होना तो ये चाहिए था कि मतलब सब डाउन हो जाते, कहते कि इलेक्शन का बायकॉट कर दो और कुछ नहीं, इससे हमारा दिल भर गया है, हम जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने लीड किया है, जैसे एक मैसेजिंग, और ये जो एक सच की बात आप करते हैं और एक हौसले की बात करते हैं, सबका यही एक गोल है आपके, अगर हम नहीं जा रहे थे ना 8 को वोट करने, तो अब जाएंगे, क्योंकि अब तो ये पर्सनल हो गया, इन्होंने हमारे लीडर की को सजा दे दी है इतनी 10 साल की, तो उस पर आप क्या कहेंगे, कौम का जो रद्द अमल है, मतलब इतना मच्योर रद्द अमल, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, ये यही तो इमरान खान के को क्रेडिट देना चाहिए। मगर मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँ, अगर अगर आप कहें ना कि आपको किस चीज़ पे फख्र है, अपने भाई पे किस चीज़ पे फख्र है, कि जो उसने हम सब की तरबियत कर दी है, मैं अब हम अपने आप को भी इंक्लूड करेंगे, उम्र उम्र का तकाजा हो भी, फिर भी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं ना, आपकी ट्रेनिंग कर दी है। सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना, जो कहते हैं ना, शऊर दिया है। शऊर किस चीज़ का दिया है? ये दिया है कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि ये जो आपका वोट है, यही तो आपकी पावर है। पाकिस्तान की पावर नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि आपकी जो पावर होती है वो लोगों के पास होनी चाहिए। हम बातें तो हमने बड़ी जबानी कलामी की हैं,
अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, टीवी पे भी आके बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी और ये वो, असल में तो जो वोटर है, और अब जो मैं कहती हूँ जो कमाल का शऊर है इस वक्त पाकिस्तान में, बच्चे बच्चे को उन्होंने ट्रेन कर दिया है कि ये ट्रेनिंग जो इमरान खान ने रोजाना दी है वो ये है कि आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल है और वो मुस्तकबिल इस वोट में है, आप अपने नुमाइंदे चुनो और फिर उनका हिसाब लो। ये नहीं है कि ऊपर का इंतजार करो, ऊपर से कोई नीचे, कोई ऊपर से नीचे कभी रहम नहीं होता, रहम नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे ऊपर तो फिर माफियाज बन जाती हैं। उन्होंने सारी ट्रेनिंग हमें दे दी है सबको कि ऊपर अगर आप सोचते हो कि ऊपर से कोई 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 मनोसलवा गिरेगा जैसे हम IMF से मांगते हैं, या कोई ऊपर एक जो लीडर का लफ्ज पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है कि एक लीडर है जो आके सब कुछ किसी बस हाथ करेगा ऐसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होना। हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। आप अमेरिका में हो, वहां पे एक कोई गवर्नर या कोई उनकी गलती करता है वो खुद ही छोड़ के क्यों चला जाता है? उसको पता है कि अगले दिन उसका जो वोटर है ना उसने उसका हिसाब लेना शुरू कर देना है कि मैंने तुम्हें वोट दे के इसलिए नहीं भेजा था। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह मेरे ख्याल में ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई है और अब जो वोटर है वो बड़ा, उसको इतना शऊर है कि उसको ये पता है कि 8 तारीख हमारा फोकस होना चाहिए। ये बताने की अगर ज़रूरत भी नहीं मेरे ख्याल में पड़ी, क्योंकि लोगों को खुद ही समझ आ गई कि हम 8 तारीख को वोट देना हमारे ऊपर अब एक किस्म का फ़र्ज हो गया है कि हमें जाके अपना वोट देना है और पावर हमने छीननी है। तो ये आपको लग रहा है कि जैसे जैसे आपको पता है ना बल्ला छिनाता जब, तो लोग समझ ये सब समझ रहे थे कि बस अब डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे सारे पाकिस्तानी, तो इनको अभी तक ये स्टडीज में आ रहा है, ये कोई सर्वेज हो रहे हैं जैसे इनको लग रहा है कि बल्ला छिने के बावजूद, इतने सारे सिंपल्स होने के बावजूद भी PTI जीत जाएगा, इसलिए ये सब कुछ जल्दी में कर रहे हैं? बिकॉज इतना जल्दी तो फैसला आना भी नहीं था, अभी तो शाह महमूद का बयान भी नहीं सुना था, तो ये इतनी अचानक से फुर्ती का क्या कोई है एनालिसिस आपका? मेरे ख्याल में अगर आप हम सड़क पे भी चले जाए ना कहीं पे भी, जो मैं फिर से वही कहूंगी जो शऊर है वो है लोगों के पास, अब उनको अपनी पावर समझ आ गई है। और आप तो वो कैंडिडेट, बल्कि जो आजकल ज्यादा मुश्किल ये पड़ी हुई है, लोग कंप्लेन करते हैं हमारा फोन भर जाता है, कैंडिडेट किधर है मेरा, मुझे नजर नहीं आया। कैंडिडेट की जान तो लोगों ने निकाली हुई है, वो मैं कह रही हूँ कि हम कहाँ से जवाब देंगे कैंडिडेट किधर है, लेकिन वो कह रहे हैं कैंडिडेट नजर क्यों नहीं आया। जो हिसाब किताब इस वक्त लोग ले रहे हैं ना, तो कैंडिडेट को भी एहतियात करनी पड़ेगी कि ये वो दिन नहीं है कि आप सब पावर में आ गए। एक लफ्ज पावर का भी इस्तेमाल होता है, अब वो लोग हैं जो हिसाब लेंगे कि तुमने क्या किया हमारे मुल्क के लिए, और ये मेरे ख्याल बहुत जबरदस्त चीज है। कैंडिडेट पर ना सबसे खूबसूरत बात जो आपने, जो मुझे सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि आपने कहा कि सब लोग कैंडिडेट का पूछ रहे हैं, किसी ने पूछा कि मेरा भाई जो है वो भी लिस्ट में नहीं है, मेरे भाई का तो नाम ही नहीं है पूरे 860 लोगों में। अच्छा वो ना इतनी ज्यादा दिल को वो बात जाकर लगी थी हम जैसे लोगों को, हमारा तो सुपर हीरो है इमरान खान, हम तो बचपन से इमरान खान को वो करता हुआ देख रहे हैं, वो इतनी ज्यादा वो ऐसी बात थी जब आपने कहा ना कि मेरा भाई कहाँ पर है, मेरा तो भाई है भी नहीं, तो हम भी ऐसा समझते हैं कि वो इस कौम का शफीक बाप है जो इस पूरी लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन उसने जो एक शऊर इस कौम को दे दिया है एक तो वो है। मगर मेरा सवाल यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ ये है कि देखिए आपने खुद कहा कि 200 केसेस जब दिल करे तो आप बना दें और जब दिल करे तो आप उसको खत्म कर दें, कोई कानून नहीं है और ये वो और तमाम चीजें। नीमा खान साहब आगे रास्ता क्या है फिर, क्योंकि देखिए हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हैं वहां पर तो मतलब एक और केस जो है महफूज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हमने देख लिया 13 जनवरी का जिस तरह से फैसला भोंडा किस्म का दिया गया, तो इस पूरे उसमें उम्मीद कहाँ पर है, क्या अदालतों से कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं, कुछ है कि हम यहाँ से इंसाफ मिल पाएगा हमें? मैं एक चीज अभी आपका वो जवाब दे दूं पहले कि जब आपने बात की कैंडिडेट्स की, एक इसी से वाजे, एक्चुअली मैं जो वाजे करना चाह रही थी, जो चीज मैं हाईलाइट करना चाह रही थी वो ये थी कि लोगों का ख्याल है कि अभी भी हमारा जरा थोड़ी सी पुरानी सोच है कि एक दफा टिकट मिलेगा फिर हम इलेक्शन जीतेंगे फिर हम पावर में आ जाएंगे, एक पावर की जो है ना चीज, इनको सबको सोचना चाहिए कि जब ये टिकट बड़ी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है आपके पास और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर आपने लोगों का ख्याल रखना है और लोगों का अपने हलके का ख्याल रखना है जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पावर के लिए या इससे आप बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, आप इमरान खान को एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, उनके पास कोई सीट नहीं है,
उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उनको क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि आपकी जो कारकर्दगी होती है वो उसको खुद जवाब, वो आपके लिए बोलेगी। इमरान खान ने जो कंट्रीब्यूट किया वो उसी वजह से आप उनको पहचान रहे हैं। पहचान एक ओहदे से नहीं आती, ओहदे से तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है आपके ऊपर। तो इससे लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आइंदा के लिए लोगों को अपने कैंडिडेट्स और जो जिनको इलेक्ट करते हैं उनसे हिसाब लेना चाहिए। और जो केसेस की बात कर रहे हैं, देखें अगर कोई चीज़ तब्दीली लाने वाली है वो इमरान खान ने तो बनाई तहरीक इंसाफ थी। अगर हमें पहले नहीं समझ आई 20-25 साल, तो अब 27-28 साल में हमें ये समझ आ गई है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और आज इमरान खान अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया कि आप मुझे देख लें, ये देख लें, एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर जेल में बैठे हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपका अदालती निज़ाम अपने आप को करेक्शन नहीं करेगा और जिम्मेदारी पूरी नहीं उठाएगा, अगर मैं जजेस को कहूँ क्या मैं कहूँगी? आप अपनी जो अहद करके आए हैं कि लोगों को इंसाफ देंगे, जब आप अपना अहद पूरा नहीं करते तो आपका ख्याल है कि ये लोग इस ओहदे पे इनको फायज होना चाहिए कि नहीं? कौन फैसला करेगा कि वो जो जज दिलावर इमरान खान के साथ जो पहले करके क्या था और जो इन्होंने किया है कल और आज में, ये आपका ख्याल है इनके पास इनकी अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होनी चाहिए? क्या ये ओहदे ऐसे हैं जिम्मेदारी के लिए हैं या पावर के लिए हैं? यही तो हमने पाकिस्तान में शऊर पैदा करना। और इमरान खान ने चुप करके जेल में, उन्होंने किया क्या है? वो सिर्फ जेल में बैठे हैं, पिछले 6 महीने से एक छोटे से सेल में बैठे हुए हैं, खुश आते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और आके हमें कभी आयतों का बताते हैं, आज किताब की बात करते हैं। और जब कल टेंशन वाला टाइम था, ऐनक लगाई, डॉन अखबार था उनके हाथ में, वो बैठ के पढ़ना शुरू हो गया। मैंने किसी को कहा अभी मेरे पास कैमरा होता मैं पीछे से तस्वीर खींचती, सब लॉयर्स कर रहे हैं, जज बैठे हैं, इमरान खान वहाँ बैठ के अखबार खोल के पढ़ रहे हैं। तो अब वो मेरे, मैं काश मेरे पास कैमरा होता, अगर मैं उनसे परमिशन ले ली थी कि एक तस्वीर खींचने दो, वो आराम से वो रिलैक्स कर रहे हैं, बाकी लॉयर भी इधर भागे फिर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो आपको पता ना वो सुन ही नहीं रहे थे, वो जरा ही नहीं करने दे रहे थे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दे रहे, और वो इमरान खान अखबार खोल के बैठ गए, कहते अब क्या सुनना है इसको, मैच फिक्स्ड है, अब मैं क्या उसको सुनूं, मैच फिक्स्ड है, अखबार खोल के आराम से बैठ गए। तो अब उनको देख के तो हम सोच रहे हैं हम सारे तकलीफ तो हो रही है देखने में, वो जब उनको देखते हैं फिर हम भी आराम से बैठ जाते हैं कि अगर ये रिलैक्स कर रहे हैं तो अब उन्हीं से, उन्हीं की जो उनकी जो कहते हैं कि उनकी जो वो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। और आप जो आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हो उससे फिर हम भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि आप बहन है, यू नो काफी लोग कहते हैं कि अच्छा भाई वो मैसेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं, बट यू नो आप जब आती हैं कहती हैं तो बड़ा एक हौसला को मिलता है। तो आपने ना, मैं आपको बता दूं, आपको एक मुबारकबाद देता हूं कि वो जो मास्टर ट्रेनिंग खान साहब दे रहे हैं ना, उसकी आप ग्रेजुएशन आपने कर ली है, क्योंकि यू आर बेसिकली जस्ट लाइक हिम दीस डेज, सो थैंक यू फॉर गिविंग अस द कॉन्फिडेंस। लेकिन हमारे माँ बाप ने एक चीज सिखाई थी, दो तीन चीजें मैं फिर से बता देती हूँ अगर सारे माँ बाप के लिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है ना वो माँ बाप भी देते हैं ना। तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे इज्जत जिल्लत और मौत अल्लाह के हाथ में है, इनसे कभी ना डरना, ये आपके हाथ में नहीं, इसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हो। इज्जत जिल्लत रिज़्क के लिए आप दुआ करो और मौत आपके हाथ में नहीं। तो आपको कहते हैं, और इमरान खान इसलिए बारी बारी रिपीट करते हैं, पहले आप अपनी तो आज़ादी ले लो ना। अगर आप हमारा पूछ लें, मेरा भांजा जेल में, हमारा ड्राइवर जो है वो बेचारा 7-8 महीने के बाद उसको रिहा किया गया थोड़े दिन पहले, हमारे पीछे गाड़ियाँ होती हैं। अब मैं किस, वो हमने अपने वो ड्राइवर को बताया, मेरी बहन ने कहा मत इनकी फिक्र करो पीछे हमारे कितनी गाड़ियाँ आ रही, ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, और हम क्या कह सकते हैं हमने कहा ये हमारी हिफाजत के लिए, हमारे ही लोग हैं ना, कोई इंडिया में तो नहीं फिर रही ना, हमारे लोग हैं, हम क्यों अपने लोगों से डरें? वो अगर साथ फिर रहे हैं तो मेरी बहन कहती है हमारी हिफाजत के लिए, देखो दो गाड़ियां हैं,
हमारी कुछ नहीं होता। बिल्कुल, और वो बिल्कुल जो खान साहब कहते हैं ना, असाब की जंग, मतलब ये आप सबने मिलके जीती है, क्योंकि अब तो बस ये लग रहा है कि लोग एक तरह से निकले ना, संडे को भी निकले, एक ये टेस्ट भी पास हो गया, अब जब निकलेंगे फरवरी 8 को तो एक मुझे लगता है पिकनिक होगा, लोग जाके अपना जो भी उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं वो उसका बदला लेंगे। देखें, हम जिनसे जिन इदारों से डरते हैं वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं। ये बड़ी गलत बात है कि अगर हम कहें कि ये ISI है इससे डरना चाहिए, मैं बिल्कुल गलत है। जब लोग मुजरिम पेशा होते हैं वो कहीं पे भी होंगे तो आपको आपको उनसे एक कंसर्न होना चाहिए, लेकिन आप सारे लोगों को एक सांचे में नहीं डाल सकते, अपने इदारों को सांचों में नहीं डालें। कई लोग मजबूरी होती है, उनके बच्चे हैं, कई लोग हमें पुलिस वाले भी कहते हैं जी हम मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे। तो इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई दुश्मन है। हाँ, जो एक एलिमेंट है जो पावर के लिए या ये जो करप्शन के लिए, अब उनके खिलाफ तो सारी दुनिया में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें किसने कहा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल होनी नहीं चाहिए। अब एक एक जो अब एक जो अब आज एक वो रिपोर्टर पूछता है वो हाईकोर्ट में, ओ जी ये तो वही हुआ जो एक पिछले प्राइम मिनिस्टर पे हुआ, हाँ उस पर मुझे गुस्सा चढ़ा था। मेरी बात सुनो, एक इंसान उसको 10 साल की कैद इसलिए मिल रही है, आप ये सोचो, ये पाकिस्तान के इंसाफ का को कहते हैं निजाम के इससे बड़ा मैं मुंह पे थप्पड़ नहीं होगा। क्या है, एक आदमी जिसने आपके मेरे पैसे का डाका डाल के सारा मेरा पैसा उठा के लंदन में ले गया, हाँ, और पता नहीं और दुनिया के किन हिस्सों में लेकर गए, उसको मैं बाइज्जत VIP ट्रीटमेंट देके, मैं हम कितने बेगैरत हैं, हम पाकिस्तानी कितने बेगैरत हैं, उसको VIP प्रोटोकॉल देके जज के सामने पेश करके सलूट करके, सारी पुलिस उसको जो वहां वहां खड़े थे उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दी, सलूट किया, एक दिन में अपने केसेस से उसको वो लॉन्ड्री करके बाहर निकाल दिया। और इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने तो अपने लोगों को ये जाके बताया कि ये आपका वोट चोरी करने लगे हैं, यही बताया था ना कि जो आपको धमकी जो आई थी, वो जो डोनाल्ड लू ने बाजवा को पैगाम भेजा था वो यही था इसकी गवर्नमेंट गिरा दो, तो किसका वोट चोरी हो रहा था, लोगों का। उसने क्योंकि अपने उनके लोगों को जाके बता रही है तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है, उसको तुमने 10 साल की सजा दे दी। तो वोट चोरी होने पे उनको इन्फॉर्म करने पे 10 साल की सजा, और अगर मेरे सारे पैसे लूट के चला जाए उसको मैं VIP ट्रीटमेंट दे रही हूँ। पाकिस्तान को अपना भी, हमें भी तो अपना सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ये हमारा निज़ाम हमें कबूल है नहीं कबूल, मुझे तो नहीं कबूल। मेरे भाई को जेल में डाला हुआ है, मेरे भांजे को जेल में डाला हुआ है, मेरे बेटे की उन्होंने बिजनेस रैप अप करवा दी कि इसके कोई कंस्ट्रक्शन इसके साथ नहीं कर सकता। हमें कबूल है अगर हमारा ख्याल है कि इससे हमारे भी इसका हम अगर अपना हिस्सा डालते हैं, अपने भाई हमारा कर अगर हम उसकी भाई का खिदमत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो पाकिस्तान की हमारी इनडायरेक्ट यही कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है। और अगर कोई चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, इमरान खान तो बहुत दफ़ा कह चुका है क्या मुफ्त का तो कुछ नहीं आना, हमें कोई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तो इसमें क्या हो गया अगर कुर्बानी दे दी, अपना ही मुल्क है, अपनी अगली नस्लों के लिए हम कर रहे हैं ना, तो इसमें लोगों को नहीं डरना चाहिए। क्या चीज़ आज बचा रहे हैं, रोजी बचा लेंगे, थोड़े से पैसे बचा लेंगे। आज आपको पता है कल एक लड़के ने क्या, वो जो एक जो उन्होंने लॉयर खड़ा किया था, देखिए मैं उसका नाम हजरत यूसुफ है या हजरत यूनस है, उस लॉयर का नाम ही यही था। तो वो उसने आके पश्तों में कोई बात की बैरिस्टर ये चेयरमैन गौर से, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा वो हम जंगले के अंदर खड़े थे, वो छोटा सा कमरा जिसके अंदर एक वो कैदी को खड़ा करते हैं, उसके अंदर हम मैंने गिने थे सारे, हम 15 लोग थे, शाह महमूद की बेटी ये गौहर बानो, मेरीन कुरैशी, मेरी बहन डॉक्टर उज्मा, मैं, शाह महमूद खड़े थे, थोड़ी बहुत इमरान खान भी आ गए, वो दरबे के अंदर लॉयर्स भी खड़े थे, बैरिस्टर ये चेयरमैन गौहर भी खड़े थे। मैंने मुड़ के देखा तो मुझे खुद भी इतनी हंसी आई, मैंने कहा तो आगे जो दूसरी तरफ वो जो कमरे में बैठे थे ना ये साइफर वाले जुल्कर नैन की अदालत में,
कहते जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो दड़बे में इतने ज्यादा हमें लोग नजर आए, तो वो भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। वो बात है कि हम यहाँ पर इतना सीरियस केस को ले रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर हंस रहे हैं, ये वो हिम्मत है जो लोगों को मिलती है आप लोगों को देख के। आगे से जज हमारे साथ कभी हमें डांट देता था, कभी हमें डांट रखे था आपने। अब वो जो लड़का था उसने जब कहा ना कि उसको पश्तो में कहा कि देखे मेरी मेरे ऊपर ना करें, मैं जो डिफेंस वो बेचारे, वो जो दो बेचारे लड़के जिनको कुर्बान किया था इन्होंने डिफेंस बनाकर, वो एक लड़का कहता है मैं कि ये क्या कह रहा था, कहता है वो कह रहा था कि देखे मेरी नौकरी का सवाल है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ इनको 15 साल की शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को सजा हो जाएगी, आपको नौकरी की फिक्र पड़ी हुई है। तो ऊपर से जज ने मेरे ऊपर शोर मचा दिया, जज आगे से कहता आपने इसको धमकी दे दी। अब मैं आगे से वहां एक काफी वो एक किस्म का चिड़ियाघर ही था, तो हम चिड़ियाघर के वो पिंजरे में थे ना, तो मैंने उनको, अब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जी ये हमारा, आपने हमारे लिए अपॉइंट किया, मैं इसको धमकी कैसे दे, अपने डिफेंस जो उन्होंने हमारे लिए वो उन्होंने स्टेट ने अपॉइंट किया है, तो ये तो नहीं मतलब बारी बारी जज कहे ये स्टेट पैसे दे रही है इसके। मैंने कहा अगर स्टेट पैसे दे रही है अपॉइंटेड तो हमारे लिए, मैं क्यों नहीं कह सकती उसको। तो हमें भी झिड़कियां पड़ रही थी, शाह महमूद बोलते थे उनको भी पड़ जाती थी, सारों को झिड़कियां पड़ रही थी। जज साहब इतनी जल्दी में थे, एंड में इमरान खान ने तो जैसे कहा कि भाई अगर यही होना है फिक्स मैच तो अब तो मैं, उन्होंने इजाजत लेके सलमान सफदर से लेकर चले गए। हम भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाना शुरू किया, क्यों वहां पे तो लग रहा था कि कोई फास्ट, वो क्या होता है फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, तेज स्पीड में जा रहा था सारा कुछ, और एक बंदा बैठाते थे। याद रखें इमरान खान ने क्या कहा था, मैं आज अभी इमरान खान ने यही कह के भेजा था, आप पूछे ना हम, मैं जब आके मैसेज देती हूँ मैं उनसे पूछ के आती हूँ, एक एक्स्ट्रा बात नहीं करती। जब मैं उनका पैगाम देती हूँ तो उनके अल्फाज सीखने पड़ते हैं, रियाज करने पड़ते हैं, और कोशिश ये होती है कि जो उन्होंने कहा है वो एग्जैक्टली बताऊं। और इस आज उन्होंने ये कहा था अगर हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने देते एम्बेसडर की तो हमने सिर्फ दो सवाल उनसे पूछने थे, और वो दो सवाल ये थे। पहला सवाल आप एम्बेसडर से, आया कभी आपको ऐसा पैगाम जो जिसका साइफर आपने पाकिस्तान भेजा, आपको कभी ये ऐसा पैगाम मिला जिंदगी में? उन्होंने कहना था यकीनन नहीं। और दूसरा सवाल ये था कि ये साइफर पैगाम जो साइफर के जरिए गया है, ये पैगाम किसको भेजा गया है? और उसको जवाब देना था जनरल बाजवा को। ये दो सवाल थे। अब इन, उन्होंने कहा इन दो सवालों की वजह से इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस की नहीं होने दी। अब आप इसी से समझ लें, ये दो थे, डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम भेजा, जनरल बाजवा। आप कागज ढूंढते फिर रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई किस किस्म का कोर्ट है, कागज ढूंढ रहे। वो कहते हैं कागज किधर गया, इमरान खान के पास कागज नहीं है, वो तो कहते हैं कि शायद उन्होंने उठा लिया, क्योंकि इनके साथ तो वो मिलिट्री वाले होते हैं, ऐसे जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आप ये सोच लें कि डोनाल्ड लू को भी हमें पूछना चाहिए कि ये आपने जो पैगाम भेजा था, आपको पता है ये अमेरिकन लॉ के खिलाफ है और ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है, और हम कोई बात कर नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारा हक बनता है कि हम करें। हमारे मुल्क के साथ इतना जो हाल हुआ है पिछले दो साल में, क्यों नहीं हम सवाल उठा सकते? हमें जुर्रत नहीं करनी चाहिए? हमें डरना किस चीज़ से चाहिए? हमारा हक है कि हम ये आवाज़ उठाएं। और कई लोग मेरे से एक और सवाल पूछते हैं, मैं वो आपको बता दूँ कि जी आपने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया ह्यूमन राइट्स के लिए? आपने कहा था कि हम नहीं, अमेरिका में नहीं, पहले मैं पहले बात कर लूं, पहले आप मुझे बताएं, मैं अमेरिका और यूरोप जाऊं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास कि हम 24 करोड़ लोग सोए पड़े हैं और आप हमारे लिए आवाज उठाएं, अच्छा लगता है? अपने घर की भी कोई इज्जत होती है ना, अपने घर की कोई इज्जत होती है कि नहीं? हम तो ये नहीं करना चाहते। हाँ, अगली चीज, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आप लोगों को भी तो अपनी कोई सेल्फ एस्टीम का ख्याल करना चाहिए कि आप उनको कहें कि ये मेरा जो मुल्क है जिसके लिए मुझे इतनी तकलीफ है और मैं बड़ी तकलीफ में हूँ कि जो हो रहा है मेरे मुल्क में,
ये जो लोग जुल्म कर रहे हैं हमारी खवातीन के साथ, हमारे बच्चों के साथ, लोगों के घरों के अंदर तोड़ के जा रहे हैं, आप सिर्फ ये करें कि क्योंकि अब आप अमेरिकन सिटीजन हैं, आप कहें हमारा अमेरिकन होकर आप बात करें क्योंकि आपका अमेरिकन पासपोर्ट है, कि हमारे मुल्क में इनको बैन किया जाए, इनको वीज़ा कैंसिल कर दें। आप यकीन करें पाकिस्तान के, मैं आपको गारंटी करती हूँ 50% तो प्रॉब्लम्स हमारे इस वीज़ा कैंसिलेशन पे ही हल हो जाएंगे। इतने भी दिलावर किधर किया था, पहला जैसे ही उसने सेंटेंस की, पहला एक पांव जहाज पे था, जहाज पे चढ़ के किधर गया, लंदन। लंदन में सैरें करता रहा 6 महीने, उन्होंने सोचा कि चीजें जब दब जाएंगी तो वापस आके फिर जज लगा देंगे, किसी और के साथ जुल्म कर लेना। तो आप वीजे कैंसिल कर दें, आप डिमांड करें अपने मुल्कों में, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी सुन रहे हैं आप, एक तो आपके अंदर इत्तेहाद बड़ा जरूरी है, आप जरा कलेक्टिव पावर अपनी समझें, आप कलेक्टिव आवाज की वैल्यू समझें। आप अमेरिका में बैठे हैं, कैनेडा में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं, आप पिटिशंस करना शुरू करें अपने फॉरेन ऑफिस को, आप पिटिशन करें अपनी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कैंसिल करें उन लोगों के वीज़े जो हमारे मुल्क में जुल्म करके, और हम मतलब पाकिस्तान में जुल्म करके हमारे मुल्कों में आ रहे हैं, हमें ये कबूल नहीं है। जिस दिन आप आवाज़ उठाएंगे 4 वीज़े कैंसिल हो गए, यकीन करें पाकिस्तान में अमन आ जाएगा और कोई लेकर बाहर भागेगा। कईयों की बेगमात के ग्रीन कार्ड भी वापस लें थोड़े से ना, तो वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा। और मैं आप ये सर एक और चीज कह दो, और अगर उन्होंने जाना है कीनिया चले जाए, वीजा कैंसिल करें, कीनिया चले जाए। अच्छा मैं एक चीज़ दिखा, आपने बात की कि कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ये सबको अफेक्ट करता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या था हाल और पीडीएम ने क्या किया, और अब ये पीडीएम 2 लाना चाहते हैं। तो यू नो आप भी ये अगर पढ़ रही हैं तो देखें डॉलर 176 से 280, पेट्रोल 150 से 292, और ये सारे के सारे ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। मतलब इतनी महंगाई, इतना जुल्म हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि लोग बहुत वोट देने निकलेंगे इंशाल्लाह 8 को। आपका व्यू पॉइंट इस पे लेना चाहता हूँ कि इस बार आप क्या देख रहे हैं कि 8 को क्या हो जाएगा। ये जो मुझे तो लगता है कि लोग बहुत गुस्से में और इंशाल्लाह बहुत अच्छा टर्नआउट होगा, लेकिन आप बताएं। देखिए जो चीज़ एक इतनी हद पार होगी, पहले लोगों को जब जो 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद क्या हुआ था, खौफ और शौक था। मेरे ख्याल में पहले तो जो कहते हैं ना फौज के अंदर शौक एंड नौ था, और शौक करके उसके बाद खौफ आया, उसके बाद डिप्रेशन आई, ये सारा साइकिल है, अगर साइकोलॉजिस्ट से पूछें वो भी बता देंगे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ अब आई है 6 महीने के बाद, वो गुस्सा है। आप इतनी देर ये जो बर्दाश्त किया है, और जुल्म ख़त्म ही नहीं हो रहा, जुल्म जो कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों के घरों में टूट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, लोगों से भत्ता ले रहे हैं। मैंने कि आपने पुलिस वालों को भी बेचारों को भत्ते पे लगा दिया है, आपने हर किस्म की, आप इस वक्त पाकिस्तान में सुनेंगे कि भत्ते मांग रहे हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन हो रही है, ये इस किस्म का निज़ाम कैसे सस्टेनेबल है? तो ऑब्वियसली लोगों ने ये बड़ी, मैं कहती हूँ बाशऊर पाकिस्तानी, हमें बड़ा फ़ख्र करना चाहिए अपने पाकिस्तानियों पर कि उन्होंने ये सोचा है कि अब हमें समझ आ रही है कि हमने अपने वोट को इस्तेमाल करके हमने कंट्रोल करना है कि हमें अगला अपना मुस्तकबिल कैसा चाहिए। तो जब इतना बाशऊर लोग हो जाएं, तो मेरे ख्याल में उसका नतायज वही होंगे जो लोग चाहेंगे। ये नहीं फ़र्क पड़ता वो क्या, आप मेरे से ये ना पूछें कि क्या चाहेंगे, याद रखें वो नहीं चाहते जो उनके साथ पीछे होता आया है, वो निज़ाम नहीं चाहते। जब आपने एक है जो पीटीआई को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक है जो कहते हैं जो ये मेरे साथ, हमारे साथ जो पुराना निज़ाम है इसको हम रद्द करते हैं, एक बहुत बड़ी जवान नस्ल खड़ी हुई है, इंडिपेंडेंट सोच है क्योंकि उनके पास इंटरनेट है, तो अगला फ्यूचर हमारे जैसे ज़रा उम्र जिनकी ज़्यादा है वो भी नहीं सोच सकते कि हमारे जो जवान नस्ल है
जिनका फ्यूचर एट स्टेक है वो डेफिनेटली निकलेंगे। मेरे ख्याल में उन सबको निकलने चाहिए, उनको अपने पोलिंग स्टेशंस को मैन करना चाहिए। मैं कहती हूँ खवातीन निकलेंगी, उनके बच्चे निकलेंगे, अपने पोलिंग स्टेशंस को ये खुद गार्ड करेंगे। ये पीटीआई का वोट नहीं है, ये अवाम का वोट है, इन्होंने फैसला करना है। आप ये भी ना सोचें पीटीआई का, आप ये सोचें इनका वोट है, ये जाके मैन करेंगे पोलिंग स्टेशंस, ये अपने वोट का तहफ़ करेंगे और इंशाल्लाह ये फैसला करेंगे कि हमें अपना फ्यूचर रिप्रेजेंटेटिव्स कौन लोग चाहिए। और बिल्कुल जो आपने कहा, इसका एक बहुत आसान तरीका है कि अगर किसी को कैंडिडेट नहीं पता, आप इमरान खान साहब के फेसबुक पेज पे जाएं, मैसेज पे क्लिक करें, अपना हल्का नंबर डालें और आपको फौरन से तीन चीज़ें मिलेंगी, एक कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का सिंबल और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो व्हाट्सएप एक्चुअली चैनल का, तो आपका नंबर रिवील नहीं होगा एडमिन को, ना ही आपको एडमिन का नंबर देखेगा, तो ये वेरी सिक्योर मेथड है। और फिर जो जो हल्के की न्यूज़ होगी, जैसे कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही होगी, कोई डोर टू डोर हो रहा होगा, या कोई छोटा जलसा हो रहा होगा, रैली हो रही होगी, या फिर पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग हो रही होगी, कुछ होगा, वो आपको हल्के के इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ है, इन्होंने हमारी वेबसाइट तो ब्लॉक कर दी थी, ये फेसबुक को ब्लॉक शायद नहीं कर सकते बिकॉज फेसबुक इज अ वाइडली यूज्ड ऐप। तो ये आप ज़रूर करें और हमें यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्वेरीज आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेते रहे और अपनी फैमिलीज वगैरह को भी बताएं। अच्छा मैं ना जी बोल यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, देखिए मैं तो फेसबुक पे नहीं हूँ और हमारे जैसे बहुत लोगों के गाँव में सब जगह पे जो नहीं है, यहाँ अगर मैं एक मशवरा दे दूँ, जो यंगस्टर्स हैं जो फेसबुक पे और इन चीज़ों पे या इंटरनेट पे होते हैं, उनको ज़रूर आप गाइड किया करें कि वो जो अपने घर के और अपने हमसाए में और जो लोग हैं उनको भी जाके गाइड कर दें, क्योंकि जो फेसबुक पे नहीं होगा या जिनके पास इंटरनेट होगा, जो लिटरेट नहीं होंगे, उनको कौन गाइड करेगा। जो जवान हमारे यूथ है उनको किसी पार्टी में हो, पार्टी का ओहदा नहीं होने की जरूरत, वो अपने इंटरनेट को, नॉलेज को बाकियों तक पहुंचा के उनको भी गाइड कर दें कि कैसे आपका जो आपने फैसिलिटी इस वक्त क्रिएट किए वो कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सजेशन, इंशाल्लाह जरूर हम कहेंगे करके वो मोहल्ले में बांटे इंशाल्लाह घरों में। जी अली, बहुत ज्यादा लोगों के ना कुछ सवाल ना इस तरह के, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इमरान खान साहब आप तमाम बहनों से बड़े हैं, पहला तो ये सवाल है उनका कि वो नंबर, मेरी बहन रुबीना खान सबसे बड़ी है, फिर इमरान है। अच्छा, फिर और छोटे हैं। इमरान खान का इन्फ्लुएंस एज अ ब्रदर ऑन द सिस्टर्स, आप बहनों पर बचपन से लेकर अब तक, वो एक कैसा रहा है, उसका उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए हमें। मेरा ख्याल में एक जैसे हमारी बहन बनी थी, वो सबसे बड़ी है और वो यूनाइटेड नेशन में रही है और वो सारी ज़िंदगी वॉर जोन्स में रही हैं और वो गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चरिंग करती रही हैं, अगर बॉस्निया गई या वो पॉलिटिकल एनालिस्ट थी, वो इराक में थी, मोजम्बिक में थी, तो वो तो इस इंटरनेशनल फोरम पे उनका अपना रोल है और वो उनकी माशाल्लाह वो काफ़ी इस तरह उनकी जो रोल है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था। इमरान खान का आप कह रहे हैं कि क्या था, मेरे ख्याल में उसको यही सारी ज़िंदगी सोचता होगा, बहनें बहुत ज़्यादा हैं भाई नहीं है, हाँ यही हम सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम भी मेरे से छोटी बहन है वो सर्जन है और मैंने भी एमबीए करके अपनी बिजनेस की और शौकत खान में और इमरान के साथ हमने काफ़ी साथ दिया। नमल तो इस वक्त मैंने ये सोचा हुआ है कि हम सारी जो अपनी इमरान खान की विजन को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो इतने डिटर्मिंड होते हैं कि हम साथ लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो ये जो विजन वो देते हैं ना वो बहुत बड़ी उनकी सोच बहुत आगे तक होती है। प्रॉब्लम ऑलवेज लाइक दिस, वो हमें बहुत वो करंट मैनेजमेंट उनसे ज्यादा जब वो दूर का सोचते हैं आपको और मुझे, तो खैर जैसे नम्बल की जब उन्होंने विजन बनाई थी और हम साथ लगे, लेकिन ठीक है एक यूनिवर्सिटी बन रही, नॉलेज सिटी कहते थे लेकिन इतनी देर लगी समझने में,
कम से कम मुझे 6-7 साल लगे समझने में कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे थे। तो अगर हम कई दफ़ा, अब उन्होंने जो विज़न देखी, आप जो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की, अब ये याद रखें जब वो इंसाफ की बात करते थे और करप्शन की बात करते थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, मुझे याद है। ये टीवी पे रोज कह के मार के लोग मजाक उड़ाते थे, ये क्या इंसाफ की बातें कर रहे हैं। और करप्शन एक छोटा सा इशू है, ठीक है। और दूसरा, जब वो शौकत खाना बनाना चाहते थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, जब नॉलेज सिटी की बात कर रही थी तो उनका मजाक उड़ाया। मजाक ही उड़ाते ना, ये क्या बात कर रहे हैं, या कौन आएगा पाकिस्तान। नॉलेज हमने बाहर से अपनी, पाकिस्तानी आप जैसे बैठे हुए, हमें आप लोग जो बाहर बैठे हैं उनको पाकिस्तान ले आएंगे ना, वो नॉलेज है हमारी। तो वो इतनी दूर देखते हैं लेकिन सब्र करते हैं, वो माइंड नहीं करते उनका मजाक उड़ा रहे हो, जो मर्जी करो, वो लगे रहते हैं। उन्होंने कभी हमें बुरा लग जाता था अगर लोग उनको कुछ कहते थे, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इतने फोकस्ड होते हैं अपने टारगेट के ऊपर, अपनी विजन के ऊपर, अपनी मिशन के ऊपर। तो वैसे वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान के अलावा करप्शन इस मुल्क में किसी का मसला भी नहीं है शायद, ये वैसे वक्त ने साबित भी कर दिया, आपस की बात है। अच्छा, मेरा ना एक और पर्सनल वो क्वेश्चन है उस पर। इमरान खान साहब अपनी वालदा के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं और समटाइम्स ही गेट यू नो, हम उनके चेहरा देखते हैं, हम ना बचपन से इमरान खान को देख रहे हैं ना, तो हम इमरान खान का ना चेहरा पढ़ लेते हैं, यू नो, हम जो लोग हैं ना, हम इमरान खान का चेहरा पढ़ लेते हैं, हमारा वो लीडर तो है लेकिन हम देख लेते हैं खान साहब को। खान साहब जब वालदा का जिक्र करते हैं ना तो वो ना एक मुख्तलिफ तासुरात होते हैं। तो माँ का लाडला ज्यादा कौन था, बहनों में से या भाइयों में से, चारों पांचों में से, क्या इमरान खान वाकई थे, और व्हाट वाज वो रिश्ता क्या था इमरान खान का विद द मदर। देखिए, वो एक तो एक ही भाई था हमारा, लेकिन हमने कभी अपने वालदैन को नहीं देखा था कि कभी फ़र्क करें या कोई हमारे घर में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। इसलिए अगर आप देखेंगे ना ही हमारे माँ बाप कोई इतना, मैं ये यहाँ पे कहना नहीं चाह रही, लेकिन कभी उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया था कि आपने पढ़ाई क्या करनी है या क्या नहीं करनी। मेरी बहन एक दफ़ा कमज़ोर होगी मेडिकल, जब वहाँ मेडिसिन कर रही थी तो मेरी वालदा कहती हैं अगर तुमने ठीक से खाना नहीं खाना या अगर तुम कमज़ोर हो जाती तो पढ़ाई छोड़ दो। तो वो इतना कोई इतना ना प्रेशराइज करते थे इस चीज़ के लिए या किसके खिलाफ, लेकिन चाहते थे कि पढ़ लें। तो लेकिन इमरान का जो, मेरी वालदा का, उनका पता है क्या शौक होता था कि मेरा बेटा लिखता बहुत अच्छा है और इस ये पोइट्री लिखेगा या ये राइटर बनेगा। तो इस, क्योंकि ये आपको पता है ये 10-11 साल का तब भी किताब लिखता था। आज लोग पूछ, वो मतलब ये आर्टिकल्स लिख देता था। हमारी कोई एक फैमिली की मैगजीन थी, हमारे एक कज़न ने बनाई हुई थी जबान पाक की, तो उसमें भी ये लिख देता था। तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी इसकी राइटिंग से। और डेफिनेटली अपनी वालदा के साथ बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। और हमारी एज ग्रुप बहन भाइयों का 24 से 34 था जब हमारी वालदा का इंतकाल हुआ है। तो उनका लॉस इमरान खान ने तो ऑब्वियसली बहुत महसूस किया था, लेकिन उनकी शुक्र है कि माँ बाप की तरबियत रह गई। माँ बाप तो वालदैन चले गए, लेकिन उनकी तरबियत रह गई, इसलिए हम उनको अभी तक कोट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सारे माँ बाप को ये फोकस करना चाहिए कि तरबियत में ज़रूर फोकस करना चाहिए अपने बच्चों पे। और इमरान की तो बहुत सख्त बॉन्डिंग थी हमारी वालदा के साथ। पता है क्या, वालदैन की ना तरबियत, सॉरी जबरान, आई एम टेकिंग अवे टॉपिक, प्लीज पूछना चाह रहा हूँ। यू नो, हम आप सबको देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि ये ना एक बड़ा ज़बरदस्त खानदान है। सिर्फ इमरान खान नहीं, हम आपको देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं आपकी, तो व्हाट इज दैट वन थिंग के शौकत खानम एंड इकरामुल्ला खान नियाज़ी साहब ने जो आप बच्चों में डाल दी कि जो वो आप लोगों में यकसा है, यू नो, कि एक तरह की है, यकसा है, और वो क्या वो चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आप आगे अपने बच्चों को या हम अपने बच्चों को या बाकी उनको हम उसको वो कर सकें। वैल्यू सिस्टम, बेसिक वैल्यू सिस्टम, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के मेरे ख्याल में एक तरबियत बनती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हम 11-12 साल के थे तो हमारे वालद ने हमारे बैंक अकाउंट खोल के कहा
अब मैंने ये पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे थे, 2,000 रुपये डाल दिए, और उन्होंने कहा अब इसमें से ज़कात दो। उन्होंने कहा अब इसमें से, और इससे तकलीफ दे चीज़ नहीं थी पैसे देना निकाल के, अभी तो हम पैसे मिले थे। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कभी नहीं भूलता कि कितना तकलीफ दे था। उन्होंने पहले पैसे डाले, कहा अब इसमें से निकाल के दो जो, और वो उसकी तकलीफ भी मुझे याद है कि हौसला ही नहीं था कि आप पैसे निकाल के किसी को दे दो। तो वो तरबियत जो है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें, जो वैल्यू सिस्टम जिसको कहते हैं, देना सिखाया। मेरे वालदैन दोनों चैरिटी का बहुत काम करते थे, और दोनों फैमिलीज़ की, मेरे जो चचा थे वही कहते हैं ना, ये नहीं बताया था कि हमारी, मुझे ये नहीं पता कि मेरे नाना की गाड़ी कौन सी थी। उनके पास गाड़ी थी कोई 100 साल पहले, तब भी उनके पास गाड़ियाँ थी। ये नहीं बताया उनकी गाड़ी कौन सी थी, उन्होंने ये बताया कि मेरे नाना ने पहला विमेंस गर्ल्स कॉलेज खोला था जलंधर में, ठीक है। फिर ये हमें पता था कि हमारे जो चचा थे उन्होंने टीबी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, कि उनको टीबी हो गई थी तो उन्होंने वो बनाया था। और मेरे वालिद कौन से चैरिटी के बोर्ड के ऊपर होते थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर के बोर्ड पे थे। तो जो जो मैं जो, और मेरी वालदा ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाई लोगों की मदद करने के लिए, मेरी जो खाला थी गर्ल गाइड्स कमिश्नर थी। तो ये वाली बातें अगर हम इसमें प्राइड ले सकते हैं, हम ये तो नहीं बता रहे कि गाड़ी का साइज कितना बड़ा था, या आपके घर में घर का साइज कितना बड़ा था, ये तो नहीं बता रहे कि रोल्स रॉयस बाहर खड़ी थी, ठीक है, या घड़ी रोलेक्स थी, ये तो नहीं मैंने आपको गिन के बताया। तो मेरे पास तो ये सारा कुछ प्रेसिडेंस है। अगर आप इन चीज़ों पे फख्र करेंगे देने में और उसमें प्राइड लेंगे, तो आपके अगले बच्चे भी यही करेंगे ना, वो तरबियत यही होती है। अगर आज मुकाबला लगा दें कि गाड़ी का साइज कितना बड़ा है, तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में आजकल मुकाबला लगा हुआ है कि सबसे बड़ा लैंड ओनर कौन सा होगा, गाड़ियाँ कितनी होंगी। अब वो मुकाबला ऊपर देखना शुरू कर दें तो फिर उसकी, वो सबसे खतरनाक, आपका दीन भी कहता है कि वो कितनी खतरनाक चीज़ है, वो ऐसा कुआं है कि वो कभी भरता ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ों के ऊपर ये तरबियत है, देना सीखें बस। अलीमा खान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा हमें वक्त दिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक और नशस्त हम आपसे करें किसी अच्छे हालात में, किसी अच्छे वक्त में, इंशाल्लाह। अली, एक वीडियो मुझे दिखानी है। आपके जो भाई हैं वो शजरे सायादार हैं इस कौम के ऊपर, इस कौम के शफीक बाप हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो आपके भाई हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम दौरे इमरान में जी रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ये हौसला दे, अल्लाह ताला आपको ये इस्तकामत जो आप कर रही हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके तो भाई हैं, आप जो कर रही हैं बिल्कुल अपने भाई के, लेकिन हम फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस कौम के लीडर को, इस कौम के शफीक बाप की बहुत ज़्यादा हिफाजत कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलीमा खान साहिबा। अच्छा यार, ये दिन मुझे याद है जब वो आए थे खान साहब, तो इंशाल्लाह ये दिन हम जरूर देखेंगे बहुत जल्दी। अगर 8 को आप सब वोट दे दें, मैं बता रहा हूँ अली, ये वोट देने निकल जाएं सब। काफी लोग कहते हैं, मैं अगेन रिपीट करूंगा, ये चाबी है, 8 को आपने वोट दे दिया, ये खान साहब की रिहाई की चाबी है। तो प्लीज वोट देने निकलें, जो अपने मोहल्ले में लोग हैं, फैमिली में लोग हैं, मेक श्योर करें कि अभी से प्लान बनाएं कि 8 फरवरी को सुबह जल्द से जल्द वोट डालना है। तो बहुत चलिए, मैंने साइफर पर एक वीडियो है, लेकिन वो मैं बाद में चलाता हूं। मेरे साथ चेयरमैन गौहर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, वेरी सॉरी टू बॉदर यू एट दिस टाइम, बहुत लेट। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट ऑलवेज अ प्लेजर, आई वांटेड टू बी अराउंड। चाहता हूं कि हम इस पैनल को पूरा कर लें और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ हैं और इनकी ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि बड़ा लास्ट मिनट का नोटिस आपने ज्वाइन किया, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, मैं पहले तो चेयरमैन साहब, मेरा आपसे सवाल है,
आज का जो फैसला है उसको आप, क्योंकि एक बैरिस्टर हैं, आपको एज अ कस्टोडियन ऑफ द लॉ में ये पूछना चाहता हूँ, आप इस उसके कानून के मुहाफिज हैं, आईन के मुहाफिज हैं, ये जो फैसला है ये पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा फैसला है जिस तरह से ट्रायल हुआ है और जिस तरह से फैसला दिया गया है, ये किस किस्म का फैसला है? अली मलिक साहब, मैं अगर आपको ये कह दूं कि मेरे 20 साल की प्रैक्टिस है अभी पाकिस्तान में, जब से आया हूं और जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, तो 20 साल में तो मैंने बिल्कुल ही नहीं देखा। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि भी हिस्ट्री में जब न्यूरम्बर्ग प्रिंसिपल पे हो रहे थे और सेकंड वर्ल्ड वार के लिए कहा गया कि द बेयर मिनिमम फेयरनेस के असूल तय किए गए थे सेकंड वर्ल्ड वार के उन लोगों के लिए जिन पे ये इल्जाम थे कि उन्होंने ह्यूमैनिटी अगेंस्ट क्राइम कमिट किए थे, तो द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया था, उसमें एक प्रिंसिपल ये था कि इन अक्यूज्डों का किसी सूरत हक दिफा तलब नहीं किया जाएगा। और अगर आज भी आप गूगल करके देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से तकरीबन 20 गवाह आए थे और डिफेंस की तरफ से वो जो अक्यूज्ड आए थे उनकी तरफ से 82 गवाह आए थे। तो ये मैं कहता हूं कि दुनिया की तारीख में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि दिस इज व्हाट अ जज विल डू, आपको इसकी हिस्ट्री में कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रायल चले, मिलिट्री कोर्सों में ट्रायल चले, किलों में ट्रायल चले, अटक किले में ट्रायल चले, बट जो जो केसेस बाद में सुप्रीम कोर्टों में आए उसमें लोगों ने ये कंप्लेन जरूर की कि मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता था, मेरा ट्रायल कला में नहीं हो सकता था, मेरा ट्रायल इसमें नहीं हो सकता था, लेकिन लोगों ने जज के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की, लोगों का सिस्टम के अगेंस्ट कंप्लेन था, लोगों का एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कंप्लेन था, पुलिस ब्रूटेलिटी के अगेंस्ट कंप्लेन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के से कंप्लेंट है, उनके फोर्सफुल जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उस पे कंप्लेंट है, बट नो वन हैड एवर कम मेड अ कंप्लेन अगेंस्ट द जज। एंड दिस इज रियली सम टाइम, दिस इज टर्निंग पॉइंट दैट वी आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द जज। और मैं आपको बताऊं वो कैसे, जब पहले मरतबा इस केस में अरेस्ट हो जाता है तो जज कभी भी नहीं कर सकता, मुझे हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती कि जज आपको कहे पुलिस को कि मैं आपको कस्टडी देता है अक्यूज्ड को, किस अक्यूज्ड को जो मेरे सामने पेश ही नहीं हुआ। ये जज साहब हो वो जज साहब है कि जब खान साहब का ये 15 तारीख अगस्त को ये कस्टडी दे रहा था तो उसने जुडिशल कर लिया तो सिर्फ रिकॉर्ड पे किया साइफर, खान साहब अटक जेल में थे, इसने रिकॉर्ड दे करके खान साहब का वो कर दिया, जुडिशल कर लिया कि जुडिशल लॉ का भेजो, ने बोला बोला नहीं जज साहब ने कि मेरे सामने क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। फिर जब उसके बाद ये कुछ थोड़ा ट्रायल चला और हमारा बेल वाला मैटर हुआ तो उसके बाद जिस वक्त ये ट्रायल शिफ्ट कर गए अडियाला जेल से शिफ्ट कर गए, वो लेके आए उस पर्पस के लिए, तो जज साहब ने इसका चार्ज फ्रेम किया। वो चार्ज फ्रेम ऐसा किया कि न खान साहब से दस्तखत लिए, न खान साहब को रीड आउट किया, न जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इवन जो साइफर के रूल्स है जो हर सूरत देने चाहिए होते हैं बाय लॉ, वो भी नहीं दिए और फिर भी चार्ज फ्रेम किया और एविडेंस रिकॉर्ड कराना शुरू किया। हम हाईकोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर लिया और प्रोवाइड किया कि ये उसूल को मद्देनजर रखते हुए आप ट्रायल चलवाएं, पहले एग्जेक्टिव ऐसे काम करे, अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी है फिर आप उस पर ऑर्डर पास कर दे। जज साहब ने उसके बाद एक हियरिंग कर ली यहाँ जुडिशियल कम्प्लेक्स में, उस पर दोबारा ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में सब कुछ फिर इग्नोर कर लिया एंड द जज साहब वेंट राइट अप टू द ट्रायल के मैं ट्रायल चलाता हूँ। और अनन फनन में जज साहब ने 9 गवाह कर लिए। फिर हम हाई कोर्ट आए कि सर आपका ऑर्डर भी वायलेट हुआ, हमारे भी राइट वायलेट हो रहे हैं, तो दिस इज वे टू मच, आप डायरेक्शन दे। कोर्ट ने दोबारा इसका ट्रायल सेट असाइड करवा लिया सेकंड टाइम पे। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहरुल खान साहब, इट्स गुड टू सी यू। आप जो थैंक यू डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेजर टू सी यू जी। आपसे बहुत पहले मुलाकात भी रही जब आप एतजाज अहसन साहब के, हां 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 जी, यस यस, ऑलवेज ऑन एंड ऑफ किया, इंटरव्यू के चक्कर आप बड़ी मदद किया करते थे कोऑर्डिनेट करने के लिए। जी जी जी, मुझे चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप तो चले जज साहब को ब्लेम कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, आप वकील हैं, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जज साहब बेचारे हेल्पलेस थे, उनको जो कहा गया उन्होंने किया और इसीलिए उनसे इतनी गलतियां भी हो गई हैं। ये जो इन्होंने सुनाई है इसकी, ये पहले तोशाखाने में तो सजा सुना चुके हैं 3 साल की, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड थे इलेक्शन के लिए, इस स्टेज पे ये जो फैसला सुनाया है 10 साल का, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये उसको इस जो काकड़ कैबिनेट कमेटी बिठाई गई है 6 दिसंबर को, जो कहा था कि 15 दिन में
मई 9 के वाकयात के ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी और अब आप उसको 25 दिन हो गए वो रिपोर्ट नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साइफर कोर्ट का जो फैसला है इसको उस रिपोर्ट में डालना है और तहरीक इंसाफ की बैनिंग के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफरेंस बनाना है? नहीं देखो, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू हो गया, इसमें वो बैन नहीं कर सकते बिकॉज ये पार्टी से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में डॉक्टर साहब हुआ हुआ है और नहीं इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का आंसर है, क्योंकि अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन भी इसको देके आईनी तौर पे तो उसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आईन के किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ कि अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आपकी कन्विक्शन हुई हो तो रिगार्डलेस ऑफ द कन्विक्शन फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। द ओनली प्रोविजन दैट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ इज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में अगर किसी की कन्विक्शन हो जाए वो डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है वो अगर अपना रिपोर्ट लेके भी आती है, और इस किस्म का रिपोर्ट ये पहले भी कोशिश कर रहे थे, वो 9 मई से रिलेटेड नहीं था पर फॉरेन फंडिंग केसेस में भी इन्होंने ऐसी एक अटेम्प्ट की हुई थी, बाद में वो नहीं कर सके क्योंकि हाईकोर्ट ने उसको सेट असाइड कर लिया। आज तक तो ना कोई ऐसी रिपोर्ट आ सकती है, द रीजन बींग कि फेडरल गवर्नमेंट ये आने ना कोशिश करती सिर्फ पॉलिटिकल लिवरेज के लिए, वो गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। द रीजन बींग कि अभी तक किसी की किसी कोर्ट की किसी फोरम की किसी कमीशन की जो इंडिपेंडेंट हो जिसमें लोग पेश हुए हो जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई हो वो कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है। तो अगर मौजूद नहीं है ऐसी रिपोर्ट और कुछ भी नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके सरकार के खिलाफ और हुकूमत सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन किया हो तो ये तो पीटीआई के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। तो ये उनकी एक ख्वाहिश जरूर होगी कुछ इस किस्म का कर ले, लेकिन इस प्रॉपर जो सिग्निफिकेंस है ये जरूर है कि उन्होंने ये करवा दिया कि जी एक खान साहब ने जो साइफर है जिसमें हम ये वो वर्शन ले रहे हैं कि जी आपने साइफर आया हुआ था और साइफर ये साजिश है, तो ये उसको थोड़ा सा वो डायल्यूट करने के लिए इसके एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात जरूर है कि देखिए ये तो नो डाउट जज साहब ने किया, अंडर प्रेशर किया, उसने वकला भी अपॉइंट किया। फॉर इंस्टेंस कल मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब आपको ऑलमोस्ट 35 साल हुए होंगे इस प्रैक्टिस में, लेकिन ये आपकी हिस्ट्री का एक वाहिद केस होगा जिसमें आपने इस तरह का ट्रायल चला रहे कि आप खुद क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और आपने दो गवाह पर दो वकीलों को आपने डिफेंस काउंसिल बनाया जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है, जिनके पास फाइल नहीं है, वो हमारे खिलाफ वकील पेश हुए हैं, तो ये तो वो बेयर मिनिमम प्रिंसिपल के खिलाफ है। और मैं जुडिशरी पे डॉक्टर साहब सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन अगर है तो वो जुडिशरी है। वी कैन टेक द जुडिशरी ऑफ द बुक। अब हमारे साथ सरकार ने कितनी ज्यादतियां की, आप 9 मई का देखो, उनके ग्रेंट देखो, एलिगेशंस देखो, लोगों का रोकना टोकना देखो, लोगों का अरेस्ट देखो, 11-11 मरतबा एक एक बंदे को जेलों में डालना और लोग हमारे प्रपोजर सिकंदर को रोकना उनके, ये सब कुछ सरकार ने किया, इसमें नो डाउट है। हमारी औरतों के बेलों के साथ क्या ने किया, ये सब कुछ सरकार ने किया। बस सरकार के खिलाफ मैं कहां जाऊं, आई हैव टू गो टू द कोर्ट, और अगर कोर्ट अपना परफॉर्म न करे तो दिस इज वे द पीपल गो टू द स्ट्रीट। और ये प्रॉब्लम यही है कि अगर जज पे जितना मर्जी वो प्रेशर करे, ही हैज टू टेक दिस प्रेशर, ये उसकी ओथ की वो अगेंस्ट है कि वो कहे नहीं मैं तो प्रेशर नहीं ले सकता मेरे ऊपर, पर तो बनना बेहतर है कि पंचायत वाले करे, पंचायत इससे अच्छे फैसले करते हैं। तो जज इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि वो हाईकोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक तो चलता, अगर ये नहीं चला सकता तो इसको चाहिए था हाईकोर्ट के पास देता, हाईकोर्ट ने तो इनको बड़ा एक लेवरेज दिया हुआ था कि आप जरूर चलाए ट्रायल, लेकिन दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू टेक। डॉक्टर साहब मेरा ना असल में आपसे यही सवाल है कि जो बैरिस्टर साहब ने कहा ना कि ये तमाम चीजें कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, खवातीन के साथ हो रहा है, सेकेंडर के साथ और ये उनके साथ प्रपोजर के साथ, ये तमाम चीजें, अब इस मौके पर इमरान खान को सजा देने का मतलब क्या और इससे मकसद क्या हासिल हो सकता है कि इस मौके पर राइट बिफोर टू डेज बिफोर द इलेक्शन, आई मीन अ वीक बिफोर इलेक्शन, सॉरी, कि ये बड़ी सजा दे दी गई है कि जी 10 साल की, इससे वैसे भी वो तो खान साहब वैसे ही जेल में डिस्क्वालिफाइड हैं, मतलब इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते, तो बकौल आपके जो आप टर्म यूज करते हैं चौधरी निजाम दीन, उनकी नजर में व्हाट आर द थिंकिंग, व्हाई 10 इयर्स एट दिस पॉइंट? अली मैं यही बैरिस्टर साहब से समझना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को, वो तो वैसे भी जेल में है, एक तरह से इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं इस मौके पर। अच्छा दूसरा है कि हम अगर सोचते कि सजाए मौत देते तो जाहिर एक बहुत बड़ा शॉकिंग किस्म की चीज होती, लोग सड़कों पर निकल सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो जब ये इन्होंने सजा सुनाई है तो यकीनी तौर पे इनके, और फिर सजा भी इन्होंने जिस तरह से सुनाई है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, अपने सरकारी वकील खड़े कर लिए, गिरते पड़ते धुड़ते भागते इन्होंने ये सजा सुनाई है, तो ये जो सारी इन्होंने उधम मचाई है इसके पीछे यकीनी तौर पर इनकी कोई हिकमत अमली और कोई कुछ हासिल करना चाहते हैं। वही मैं बैरिस्टर साहब से समझना चाहते थे कि क्या हासिल करना चाहते हैं।
जी डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से जो ये हासिल करना चाहते हैं, एक तो ये सारे लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि जी आप तो अभी तक नहीं बोले, इसको भूल जाएं, देखे ना जी हिज गॉन फॉर 10 ईयर्स, और ये आज नहीं तो डॉक्टर साहब इवन तो शखाना का केस आज जिस तरीके से जज साहब ने चलवाया, हमारे गवाहों के हक दिफा उसने भी खत्म किया, आज हम उनको कह रहे थे तो 8 बजे हम बाहर जेल से आए हुए हैं और उन्होंने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, हमने कहा है कि हमारा एविडेंस रिकॉर्ड होगा, कल 9 बजे के लिए जज साहब ने रखा है, तो इसका मतलब है जिस तरीके से जज साहब चला रहे हैं तो कल तो चखाना में भी ये खान साहब को सजा ही देंगे, अदरवाइज अगर इस तरीके से उसने चलाया और कल 12 बजे से पहले पहले वो कहेगा जी मैं भी सजा देता हूँ, तो जिस तरीके से चला, एक तो ये हर तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि जनरल पब्लिक में कहे लेकिन नाउ ही इज द वन हु इज गॉन, नाउ फॉरगेट अबाउट हिम, ही इज गॉन, ही इज नॉट कमिंग बैक, ही इज ओवर नाउ, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों के जहन से ये निकाल नहीं सकते, तो इनकी ये कोशिश यही है कि एक तो वो जहन से लोगों से निकल जाए, दूसरी बात यह कि ये भी एक अटेम्प्ट थी कि जी पार्टी के खिलाफ के इस अगर इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आप इतना बड़ा स्टेप करें तो लोग ओवर रिएक्ट करेंगे और लोग बाहर सड़कों पे आ जाएंगे, कुछ होगा तो दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की तरफ जाए, ऐसे इलेक्शन डिले कराए, पार्टी को और करे, और जिस तरीके से बराए नाम इन्होंने कमेटी बनाई है अपने लिए तो उसमें प्रॉपर लगा के कहें कि नाउ यू वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस वन, तो इनके तो यही अवामिल है, अदरवाइज अगर समबडी इज ऑलरेडी इन जेल और वो उसको बेल अभी मिली नहीं और आपने उनके खिलाफ इतने सारे केसेस किए हैं, तो देयर इज नो नथिंग दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम कन्विक्शन, फॉर इंस्टेंस आपने 200 केसेस किए हैं, तो मेरे ख्याल में ये दो चीजें थी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप चेयरमैन हैं, गो कि अब उनको आपने उन्होंने आपको फॉरवर्ड चेयरमैन बना दिया है, लेकिन आप चेयरमैन हैं पार्टी के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एट दिस टाइम, एग्जीक्यूशन अथॉरिटी आपके पास है, जो आपके तहरीक इंसाफ के तमाम लोग खड़े हैं, अल जजीरा की स्टोरी आपकी नजर से गुजरी होगी कि तमाम मीडिया को ये कहा गया है कि आप इनको तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ना कहें, इन्हें कहें कि ये आजाद उम्मीदवार है, आपकी नजरों से वो भी सिचुएशन गुजरी होगी कि पीपल्स पार्टी के बिलावल और उसके अलावा जैसे निसार खोड़ो हैं और बहुत से लोग हैं वो मुसलसल कह रहे हैं कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये हमें ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन करना चाहिए और इनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग की शिकायत नहीं होती, इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि उमर अता बंदयाल के जमाने में जून जुलाई 2022 में जो फैसला हुआ था कि आप अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ जाके वोट नहीं डाल सकते, उसका इन लोगों पे अतलाक नहीं होता, तो यहाँ पर एक मंडी को लगाना चाहते हैं और मंडी में खरीदो फरोख्त करने में भी उनको एक दुश्वारी हो सकती थी, वहां पे वो जो लोग हैं जिनको यानी जो लोग आज इलेक्ट होंगे और इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनको ये कह रहे हैं कि भाई अब तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है, आप हमें ज्वाइन कर लें, उसको भी फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ये इनकी कोशिश है, पहली बात तो ये है कि यस खान साहब चेयरमैन थे हैं और इंशाल्लाह ताला खान साहब ही चेयरमैन रहेंगे, हम तो सिर्फ डायरेक्शन लेते हैं और वो भी अवामिल आप जानते हैं कि हमें क्यों इस तरफ धकेला गया, क्योंकि इवेंचुअली हम बेड बचाना चाह रहे थे कि वो अवाम के लिए और पार्टी के लिए और इसकी वो जो मेंगू की तर्जुमानी कर रही थी उस निशानी को हम बचाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हम इंट्रा पार्टीज में ली गए और ये इतना बड़ा चेंज हम लेके आए। जहां तक दूसरी बातों का ताल्लुक है तो यस इन्होंने बिल्कुल कोशिश की है, लोगों को ये कह रहे हैं हर सूरत, और ये बल्ला भी इसलिए लेना चाह रहे थे ताकि इनको इंडिपेंडेंट करे, लेकिन डॉक्टर साहब बात दरअसल ये हमारे सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे, वो पार्टी के कैंडिडेट है, पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, ये 2018 की कभी जिक्र कर रहे हैं कि वो उस वक्त भी कुछ इंडिपेंडेंट आए थे, इंडिपेंडेंट दो किस्म के होते हैं, मैं अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मैं कोर्ट में जाऊँ और मेरे नॉमिनेशन पेपर में कोई एफिलिएशन नहीं है और मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ कि ये सर्विसेज मैं रेंडर करूंगा जनरल पब्लिक को विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और फिर लोग मुझे इलेक्ट करें, देन आई एम इंडिपेंडेंट और आई एम फ्री टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 बजे आया था और 11 बजे आने से पहले पहले इवन 5-6 बजे हमें सबको इंडिपेंडेंट निशान अलाट कर दे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जब मैं 9 बजे कोर्ट में मौजूद था तो मैं इनेटन से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने चाइना की निशानी पहले से उन्होंने सिंबल अलाट कर लिया, तो ये निशान तो उन्होंने इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया था, निशान उन्होंने हमें दिए, लेकिन ये जितने लोगों को हमने टिकट दिए हैं ये बड़े हार्ड वक्त में पार्टी के साथ रहे, इनकी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रांग एफिलिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, ये हमारे हार्ड वक्त के लोग हैं, इतने सख्त टाइम में हमारे साथ रहे, तो इंशाल्लाह ये पोस्ट इलेक्शन भी हमारे साथ ही रहेंगे। दूसरी बात है कि राइट आफ्टर 1 मंथ पब्लिक रिजेंटमेंट भी एक चीज होती है, लोग नहीं पसंद करते और उन लोगों ने जितना हाल करना है जो लोग पार्टी चेंज कर देते हैं डिफेक्शन का बड़ा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे साथ रहेंगे। जहां तक बिलावल की ख्वाहिश है तो डॉक्टर साहब बिलावल को तो सिखाया गया ना जी, वो तो पैदा बड़ा हुआ इस लाइन में कि खरीद फरोख्त होगी, तो उसको तो कोई चीज बहीद नहीं, वो तो इसमें बड़ा देखो ना, वो तो बड़ा फ्राइड फील करता है,
कोई और होता, एटलीस्ट आप द लेगेसी दे बिलावल भुट्टो गॉट, ही वुड हैव सेड कि देखो ना ये मेरा नैरेटिव है, ये मेरे एक्सपर्टीज है, इसी वजह से एंड विद द पब्लिक सपोर्ट और वोट के साथ मैं कोर्ट में उसमें आऊंगा, पावर में आऊंगा, रादर देन कि आप ऐलान करें 2013 में ये इलेक्शन में जाता है तो वो सारा नोखाखवानी करता रहा कि जी वो माँ की वजह से मुझे वोट दे दे, 18 में गया फिर उसके पास कुछ नहीं है, सिंध में ये कोई परफॉर्म नहीं कर सका, तो अभी ये जाता है और सहारा ले रहा है इंडिपेंडेंट का, लेकिन इंशाल्लाह ये भूल चुका है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर से खान फोर्स के, इंशाल्लाह ताला दे विल नेवर स्विच ओवर। और जिस तरीके से अभी तक डॉक्टर साहब ये सारे लोग अपने सारी सारी स्कीमों में नाकाम हो गए, जिस तरह कह रहे थे खान साहब की पॉपुलरिटी कम हो जाएगी, खान साहब ब्रेक डाउन में आ जाएंगे और कुछ हो जाएगा, इंशाल्लाह इसी से तरह इनको बड़ी नाकामी हो जाएंगी, जो सारे इंडिपेंडेंट इनको कहेंगे कि आप हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते, इंस्टेड ऑफ कि हम आपको ज्वाइन करें। अच्छा गौर साहब एक बात है, हमने टिकटॉक पर जलसा किया था लास्ट वीक ना, और इस थर्सडे भी एक टिकटॉक पर जलसा, तो वो जो कैंडिडेट्स आए थे ना, तो हमने पूछा कि कैंपेन कैसे जा रही है, तो उन्होंने कहा कि कैंपेन तो बहुत अच्छी जा रही है लेकिन हमें तकरीर करने का मौका नहीं मिल रहा। हमने पूछा क्यों नहीं मिल रहा भाई, लोग तो आपको बड़ा पसंद करते होंगे, आप इमरान खान के कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने कहा नहीं यार, हम जहाँ जाते हैं वो सिर्फ एक सवाल एक बात करते हैं कि वोट हमारा आपका है, आप कहीं और जाके कैंपेन करें जहाँ पर ज़रूरत है, और एक और वार्निंग देते हैं, और वार्निंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि देखें वोट तो हम आपको देंगे, हमारे सारे घर वाले देंगे, जहां आपने अपनी ये वफादारी तब्दील की ना तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये याद रखें कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है कि आप बिल्कुल ये बात, ये बिल्कुल जबरान ये बात बिल्कुल आपकी सही है, पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त है भी ऐसा। देखिए अगर ये लोग इलेक्ट होकर के आ जाएंगे राइट आफ्टर 2 वीक्स ये अपनी पार्टी स्विच ओवर करेंगे किसी और में जाएंगे, तो आपको पता है वापस अपने हल्के में जाना भी कोई आसान काम नहीं है, यू हैव टू लिव विद योर पीपल फॉर इयर्स टू कम, तो ये पब्लिक सेंटिमेंट भी ऐसी एक चीज है जिसकी वजह से ये लोग कभी नहीं जाएंगे। इस पब्लिक सेंटिमेंट को सीमेंट किया जा सकता था अगर ये लोग पब्लिकली 150-200 लोगों के सामने कुरान के ऊपर हल्फ उठाते, एक उसकी हल्फ की बाकायदा एक तकरीब होती जिसकी वीडियो बनती, और उस इलाके के जो अमायदीन है, हर इंसान किसी मोहल्ले में रहता है किसी जगह में रहता है, उस लोकेलिटी के 150 लोगों के सामने जहाँ पे 4-5-6 वो लोग भी, मतलब देखिए ना हर कैंडिडेट को फिर एक कुछ सब कैंडिडेट्स भी सपोर्ट करते हैं, हर हलके के अंदर कुछ वोट मैनेजर्स होते हैं, हर हलके के अंदर ऐसे अशखास होते हैं जिनकी अपने बरादरी और घर के 50-50-100-100 वोट होते हैं, उन तमाम लोगों के सामने अगर ये लोग कुरान उठाएं और हलफ करें, वो नहीं क्यों, वो एक्सरसाइज आपने क्यों नहीं की? देखिए हमारी एक पॉलिसी नहीं है, एज अ पार्टी पॉलिसी ये नहीं रही है कि हम उनसे हलप ले लें, लेकिन हलप भी वुड बी बिटवीन द पार्टी और उस कैंडिडेट का, लेकिन जो पब्लिक डिफरेंस है वो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड वो परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, पब्लिक ये नहीं चाह रहे क्योंकि हम लोगों में जा रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि ये खान साहब का वोट है, ये खान साहब का कैंडिडेट है, इनको टिकट हमने दिया, और अगर ये आजाद निशान पे लड़ रहे हैं तो हम हमेशा ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका निशान आजाद कैंडिडेटों वाला जरूर है और ये हमारे कैंडिडेट है, तो पब्लिक जो सेंटिमेंट होगा इसी में से वो जरूर इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। दूसरी बात ये कि ये ऐसे नहीं है कि हमने चलते फिरते लोगों को उठाया है ऑल ऑफ अ सडन, नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट के हैं, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ बड़े हार्ड टाइम ये सारे लोग रहे हैं, और इनमें से कोई एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो बड़े अरसा से हमारे पास रहा हो, लोगों की मजबूरियां भी बड़ी होगी लेकिन पब्लिक डिफरेंस के खिलाफ इस वक्त जो लोग कभी आगे पीछे जाके छोड़ चुके हैं, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो बिल्कुल बदलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलें उम्मीद करें। अच्छा एक सवाल है मेरा बैरिस्टर गौर साहब, ये इन्होंने हमारी जो इलेक्शन की वेबसाइट है ब्लॉक की है, तो ये इनको कोई सजा हो सकती है, ये जो पीटीए वालों ने, ये कौन है उमर साहब आईटी मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने जो insaf.pk जो हमारी मेन इलेक्शन की वेबसाइट है ब्लॉक की है, फिर हमारी बैकअप साइट थी पीटीआई कैंडिडेट्स वो ब्लॉक कर दी, वो तो हमारे चीते सोशल मीडिया के, उन्होंने तीसरी साइट भी बना ली है उसको, उसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें, उनको ब्लॉक शायद नहीं हो सकती, लेकिन इसके अलावा फिर ये है यानी कि सिंबल्स का आपको पता है, फेसबुक पे आप इमरान खान को मैसेज करते हैं और आप हल्का नंबर डालते हैं मैसेज में वो आ जाता है, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो कर रहे हैं अभी तक इतना डर है, इतनी सारी चीज़ें करके फिर भी डर है कि एक वेबसाइट नहीं ऑपरेट करने दे रहे, एक ऑफिशियल वेबसाइट, तो इनको कोई सजा होगी जब इलेक्शन के बाद कि ये भाई एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जो फाइट कर रही है उसकी ये वेबसाइट बंद की हुई है? देखिए पहले तो ये तो होने चाहिए इन पे, तो वेबसाइट पे क्या, इन्होंने तो लोगों को अपने घरों में बंद रखा हुआ, कोई बाहर निकलता है तो ये उनको पकड़ लकड़ करते हैं और सबकी
जबान बंदी की हुई और जितने भी 117 टीवी चैनल्स हैं उसमें से 33 तो आपने नोट किए होंगे, तो उसमें खान साहब का नाम अभी भी आप नहीं ले सकते और उनकी तस्वीर भी है, तो तस्वीर काट ले आप। आज भी मेजर पॉलिटिकल मेजर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल देखे, खान साहब की सैफर वाली तस्वीर में खान साहब की तस्वीर काट करके सिर्फ वो सैफर के और हाथ का उन्होंने दिखाया। सो दे गो टू दैट एट दिस एक्सटेंट। अब जब हम कोर्टों में जाते हैं तो कोर्ट टेक्निकल हो जाती है, कहते हैं जी हाँ डायरेक्शन नहीं है, पिमरा कहते हैं हमने तो कोई डायरेक्शन इशू नहीं किया, सो दे कम आउट ऑफ अवे, इन्होंने तो लोगों की भी बंद कर लिया। यस, वेबसाइट जिस वक्त आप बना ले कोई भी पीटीए नहीं आपका वो कर सकता किसी सूरत, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। ये जो 1996 का एक्ट है उसकी भी अगेंस्ट है, ये जो उनके रूल्स बने उसकी भी अगेंस्ट है। आप नहीं कर सकते फॉरकास्ट कि आप उनको ब्लॉक करें, सिर्फ और सिर्फ अगर आप उस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं जो या तो हमारे फोनोग्राफिक साइट्स होते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप नहीं चला सकते, या अगर आप उसके स्टेट के खिलाफ कोई सिक्योरिटी के खिलाफ करो वो नहीं चला सकते, या अगर आप ब्लास्फेमस किस्म का कोई चला लो, दिस इज नॉट ऑफ दैट कंटेंट। ये तो पॉलिटिकल है, 100% चल सकता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स के लिए नहीं चला सकती, लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, आप नवाज शरीफ से पूछें कि कराची में आपके कैंडिडेट तो नहीं, जीडीए के कैंडिडेट्स आपके निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, बिलावल से क्यों नहीं पूछते, ये कि बिलावल से जाके पूछे तो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, आप कैसे जाके किसी और पार्टी के निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी बाप की पार्टी हो गई तो जरूर है लेकिन है तो आप इंडिपेंडेंट पार्टी, तो दो अलग अलग है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके फिर क्यों नहीं ब्लॉक करते? अगर ये कैंडिडेट हमारे हैं तो हमारी कैंडिडेट है, निशानात इंडिपेंडेंट है, तो ये तो जो काम कर रहे हैं जिमरान साहब ये तो है ही सारा इलीगल। लेकिन अब कोई बड़ा कोर्ट लगेगा और इसमें वो होगी इंसाफ होगा तो फिर ये सारी चीजें। लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं गौर साहब की, ये तीसरी वेबसाइट जो टिकर चल रहा है ये हमने फिर से लाइव कर दिया, तो मतलब ये करते रहेंगे हम भी, कोई बैठने वाले नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पीटीए, जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बरे साहब मेरा सवाल यहाँ पर बल्कि डॉक्टर साहब आपसे भी है ये वाला कि लोगों का ये ख्याल है कि सजा एकदम सुना दी गई है उसकी वजह यह है कि इमरान खान का अपने वकला से भी रब्ता जो है वो खत्म हो जाए और वकला जो है वो इमरान खान से जाकर अब मिल नहीं सकेंगे क्योंकि वो केस खत्म हो गया। इस वक्त कोई भी करंट केस ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान का जो ट्रायल जो है वो जेल में चल रहा है, तो इमरान खान का मुकम्मल रब्ता जो है वो मुनकता कर दिया जाए, फैमिली जो है सिर्फ हफ्ते में एक या दो बार मिलेगी लेकिन वकला नहीं मिल सकेंगे। क्या इसमें कोई सदाकत है या क्या इससे भी कोई मकसद हासिल किया जा सकता है? ये सुना तो मैंने आपसे ही है लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें खासी जान है इस बात में, बिकॉज देखिए इमरान खान को बंद करना का बुनियादी मकसद यह है कि इमरान खान को लोगों के दरमियान में आप एक दीवार खड़ी कर दें और इमरान खान कम्युनिकेट लोगों से जो है वो ना कर सकें। अब पिछले 2-3 हफ्तों में ये हुआ कि चूंकि ये केस चल रहे थे और इमरान खान की अपने वकला से भी मुलाकात रोज हो रही थी, रोज नहीं तो कई दफ़ा हो रही थी हफ्ते में, उसके अलावा इसी केस के बहाने से उनकी मीडिया के कुछ लोगों से भी मुलाकात हो जाती थी और तकरीबन रोज ही अखबारात में डॉन हो या ट्रिब्यून हो या और अखबारात हो उसमें वेबसाइट्स में उनकी टीवी में खबर आती थी कि उन्होंने अखबारी नुमाइंदों को ये कहा है, एक हेडलाइन उनके नाम से जरूर आती थी और अखबारात की मजबूरी थी कि जो बाकी अखबारात कैरी कर रहे हैं तो हमने भी कैरी करनी है। और अल जजीरा की स्टोरी से आपको ये पता चलता है जो उनकी रिसर्च स्टोरी थी कि कैसे मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था कि भाई इमरान खान की आपने तस्वीर नहीं लगानी, अगर लगानी है तो कोई डिप्रेसिंग किस्म की तस्वीर लगानी है जिसमें खान साहब बुरे लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, या उनको हेडलाइन में लेकर नहीं आना। तो आई थिंक इस आर्गुमेंट में जो आपने अली रखा है इसमें खासी जान है, सदाकत है कि ये चाह रहे हैं कि अब इमरान खान को इनकम्युनिकेटो कर दिया जाए आवाम से। मैं उस पर सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि देखिये फिलहाल 4 केसेस चल रहे थे खान साहब के जेल में, एक साइफर वाला था और एक तो शहाना का, एक अलकादर का और चौथा जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंटेम्प्ट का चला रहा था। तो अभी एक केस तो हो गए, अब 3 केसेस रह गए, दूसरा केस वही होगा जो कल जिसमें शायद फैसला आने वाला है। मैं तो सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि जज साहब के जिस तरीके से तेवर थे और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे मींस कि ही इज गोइंग फॉर द सेम डिसीजन टुमारो। बट इसके बाद फिर 2 केसेस रह जाएंगे, एक में तो अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, उसमें भी परसों के लिए रखा हुआ है, वो अलकादर वाला है, उसमें चार्ज फ्रेम होगा तो वो भी चलेगा, उसमें भी कुछ अर्सा लगेगा। और इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो भी जेल में ऐसा ही चलेगा। लेकिन अगर इन द मीन वाइल ये खत्म भी कर देते फॉर इंस्टेंस और ये नहीं करते तो इसमें ये जरूर है कि ये कोशिश करेंगे कि फिर मीडिया ना हो, मीडिया के साथ ना हो, लेकिन वकला और फैमिली मेंबर फिर भी मिल सकते हैं, वो ट्यूजडे और थर्सडे के लिए 2 दिन महसूस होते हैं, जब चाहे तो मिले। पहले भी जब खान साहब की सजा हुई थी तो शहाना में, तो अटक जेल और पहले अडियाला जेल, जब ये ट्रायल शुरू नहीं हुए थे तो हम जाते थे और मिलते थे, तो somehow communication तो इंशाल्लाह ताला रहेगा।
ओके अच्छा, ये जो आर्ट, मैं पहले तो आपको बड़ी दाद देना चाहता हूँ गौर साहब, क्योंकि एक जो मैच्योर रिएक्शन था ना, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर रिएक्ट किस तरह करना है, क्योंकि दो दिन से बातें चल रही थी, सेंटेंस हो सकता है, उम्र कैद हो सकती है, तो काफी लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन द वे फोक्स हैव लेड द मैसेजिंग, तो इस बार एक ही क्लियर यानी कि एक ही डायरेक्शन में सब गए, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है, मतलब एक पास्ट है, और ये जो पाकिस्तान पूरा एक पेज पे है कि फिगर नहीं करनी, आर्ट को बस जुल्म का बदला वोट से, ये वाला इस पे क्या कहेंगे जो फेनोमेना है पूरा कंट्री? आई एग्री विद यू जबरान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, पार्टी ने सीखा था, तलख तजुर्बों से बंदा सीख लेता है, क्योंकि हम इनके साजिशों के बड़े शिकार रहे हैं, और आन एंड आप हम तो कहते रहे, वरना खान साहब बारहा कह चुके हैं कि जब जब मुझे पता चला है कि तशद्दुद हो सकता है मेरी रैली पे, मैंने रैली कॉल ऑफ की है, और अगर मेरे लोग मुतशद्दुद हो सकते हैं तो मैंने फिर भी रैली कॉल ऑफ की, और आपको याद होगा इवन लास्ट मार्च के इलेक्शन में जब इवन खान साहब ने कई सारे जलसे ऐसे पोस्टपोन कर दिए थे कि नहीं बिकॉज ये खतरा है, तो एक तो वो वाली भी हमारे जहनों में था, सेकंड ये कि इलेक्शन के प्रोसेस में देखो कि इससे हमें फायदा भी होता रहा है, जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे थे, पहले इन्होंने बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पे हमें कह रहे थे जी कि जब नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे थे उस वक्त नहीं करने दे रहे थे, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स ने बड़े तहमुल का मुजाहरा किया, फिर जब स्क्रूटनी के दौरान प्रपोजल सिकंदर को जिस तरीके से रोका, उनको जदूकोब किया, उन्होंने तहमुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान में हमने फिर भी सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स फील्ड कर दिए थे, और इसके साथ साथ जब टेक्निकल बुनियादों पे हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए तो हम कोर्टों में गए, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तो इसका एक रिएक्शन ये है कि ये लोग चाहते यही है कि हम ओवर रिएक्ट करें, हम इस्तराब शो करें और हम एंजाइटी शो करें और ये कहे देखो ये फ्रास्ट्रेट हो गए और इस किस्म की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम उनको ये मौका नहीं देना चाहते, दूसरी ये कि द लास्ट मोर देन ईयर हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, जनवरी से तो दो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, दो असम्बली, और केयर टेकर सेटअप जो बिल्कुल इलीगल है वो बैठा हुआ है, वो तो केयर टेकर है ही नहीं, वो तो इम्पार्शल है नहीं, वो तो इम्प्लांटेड है, वो गुज़श्ता हुकूमत पीडीएम की एक एक्सटेंशन है, तो इसलिए उनकी कोशिश तो यही है कि एक साल के लिए, और एटलीस्ट फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि अप्रैल में चला जाए, मई में चला जाए, अभी कहता है जी सर्दी है, फिर कहेगा रमजान है, फिर कहेगा जी नहीं अब लोग हज पे चले गए, कि जनरल जिया साहब ने एक मरतबा, डॉक्टर साहब को शायद याद होगा कि जनरल जिया साहब ने एक मरतबा इलेक्शन इसलिए पोस्टपोन कर लिए कि मेजोरिटी ऑफ सिटीजन जो है वो हज पे गए, वो हज से वापस आ जाए तो फिर इलेक्शन कराएंगे, तो ये तो हम मौका ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम उनको मौका नहीं देना चाह रहे, हम कहेंगे जी वी विल टेक यू टू द 8th इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप ना शायद मेरी इस बात को वो करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं 8 फरवरी को, आई नो वी आर ऑलमोस्ट अ वीक अवे फ्रॉम इलेक्शन, लेकिन अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं, तो डू यू आप इसको देखते हैं कि आज का फैसला जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई असर डालेगा बहसियत तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स को, और अगर वाकई में वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकल आया तो फिर आगे क्या करना है? देखिए जहां तक वोटर का ताल्लुक है, आज का फैसला वोटर के मोरल के ऊपर और उसकी थिंकिंग के ऊपर और उसकी चॉइसेस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, उसकी सिंपल रीजन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर, इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ के करीब सपोज वोटर हैं, अगर ये 5-6 करोड़ वोटर्स ने निकलना है तो उन सब तक ये डिसीजन कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जो ये इंटेंशन की है ना कि लोगों को एक मायूस करना है, डीमोरलाइज करना है, वो मायूस और डीमोरलाइज होने के लिए तैयार नहीं है, तो इनका हदफ भी हो सकता है वोटर ना हो, इनका हदफ वो 750 पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जिनको ये बाबर करवाना चाहते हैं, मुझे जो समझ आ रही है कि भाई हमने इमरान खान को वी हैव फिक्स्ड हिम, ही इज गॉन, जैसे कि बैरिस्टर गौहर ने कहा, और अब आप हमारे साथ डील कर लें, आपके लिए बेस्ट ये है कि आप हमारे साथ डील कर लें और हम आपको फिट करवाते हैं, ये इनकी एक यहाँ पर जो है वो कोशिश हो सकती है, और उनकी कोशिश ये है कि एक मखलूत हुकूमत खड़ी की जाए, अब ये है कि डब्बे भरने का तजर्बा तो निज़ाम को बहुत है, चौधरी निज़ामुद्दीन को, लेकिन इस दफा मसला ये है कि जो लोग कहते हैं कि भाई आप 3000 को 6000, 7000, 9000 तो कर सकते हैं, लेकिन 3000 को 30000 करना या 3000 को 60000 करना ज़रा मुश्किल है, और इनको ये भी एहसास हो चुका है कि लोग कम से कम नवाज शरीफ के शेर के ऊपर ठप्पे पंजाब में नहीं लगाने लगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं लगने लगे, इसका मतलब ये है कि इनको कोई और हिकमत अमली निकालनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी, तो ये जो आज का डिसीजन है, जितना इन्होंने दौड़ते दौड़ते भागते भागते ये डिसीजन किया है, इसके आगे कुछ है ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बस ये कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बिटवीन अब 1 फरवरी शुरू हो गई है तो 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी के दरमियान में इन्होंने 3-4 और चीज़ें करनी है, और गौहर साहब को और उनकी टीम को इसको
थिंक थ्रू करना चाहिए, चूंकि गौर साहब एक इस वक्त डिसीजन मेकिंग पोजिशन में है, तो जरूरी नहीं है कि वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के या फेसबुक के ऊपर बैठ के या आवाम के सामने खड़े होके वो ये बताएं कि हमारी क्या काउंटर हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन मैं कम से कम एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आई एम नॉट पीटीआई, मैं तो हमेशा कहता हूँ सब लोगों को कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूँ, इसी वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया। मेरी जो ठड़क है वो ये कि मुझे मेरा एनालिसिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इलेक्शन में झुरलू फेरेंगे, क्योंकि 22 महीने में कौन सी ऐसी शर्मनाक या गरीबी हरकत नहीं है जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हो सकती है। यानी आज से 22 महीने पहले एक टोटली, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि आज से 22 महीने पहले एक टोटली मुख्तलिफ किस्म का पाकिस्तान एग्जिस्ट करता था। क्या आपने ये सोचा था कि मेरे जैसे आदमी को, जिसको बड़ी जबरदस्त तरीके से मैं जिंदगी गुजार रहा था, नौकर चाकर गाड़ियां वगैरह, कभी प्रेसिडेंट को मिल रहा हूँ, कभी प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा हूँ, कभी आर्मी चीफ को मिल रहा हूँ, कि उसे इस तरह से एक फोर्स्ड एग्जाइल में जाना पड़े? कभी आपने सोचा था कि शहीद अरशद शरीफ को जिस तरह से इन्होंने कत्ल किया ताकुब करके वो होगा? कभी आपने सोचा था जिस तरह से इमरान रियाज को इन्होंने उठा लिया, जिस तरह से और लोगों को सड़कों पर जदोजहद किया, ये सब कुछ नहीं हुआ था? हजारों घरों में रेड, सब कुछ करना, तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को कैद में डाल देना, तो हर वो हरकत जो आप हम सोच नहीं सकते थे, वो ये इतने डेस्परेट हैं कि वो ये हरकत करते। अब ये 8 फरवरी को क्या करेंगे, क्योंकि ये डेस्परेट हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ बिल्कुल इन्होंने एक मखलूत अरेंजमेंट खड़ा करना है अपने हिसाब से। इन्होंने इमरान खान को 2-3-4 केसेस में सजा सुना दी है और वो उस हुकूमत को लेकर चलाएंगे। गौहर साहब और बाकी सारी तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मिक्स्ड अचार बना रहे हैं, ये मिक्स्ड अचार जो है ये सिर्फ इसलिए मुत्तहद रह सका है आज तक 22 महीने में कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खौफ की वजह से ये कटे। आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी होगी कि ये जो मिक्स्ड अचार बनाना चाह रहे हैं ये चल ना सके, बिकॉज जितनी देर तक अगर आप, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं इनका रिस्पॉन्स उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। आपको दबाने के लिए इन्होंने हर वो हरकत की है जो हम सोच भी नहीं सकते कि करेंगे, जो इमरान खान खुद सोचते थे कि भाई हम इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे, जब पंजाब की असेंबली तोड़ दी, जब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी, तो असम्पशन ये थी कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन नहीं देगी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा भी कि इलेक्शन करवाओ, इन्होंने फिर भी इलेक्शन नहीं करवाए, हाई कोर्ट्स भी इन्होंने कंट्रोल कर ली। तो अभी भी ये कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं, और बैरिस्टर गौहर को और आप सब लोगों को, जो भी टीम बैरिस्टर गौहर की है, बहुत से लोग तो रूपोश हैं, जेलों में हैं, ये सोचना पड़ेगा कि ये आगे क्या करना चाहते हैं और आपने कैसे इसको रेस्पॉन्ड करना। मेरा ना बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे चेयरमैन साहब सवाल ये है कि चेयरमैन साहब देखें, फर्ज करें हम सीटें जीत जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज्यादा धांधली भी करते हैं जो कि करेंगे, जाहिर है प्री पोल रिगिंग भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन हम सीटें भी जीत जाते हैं। आपका जो जो रिजर्व सीटें लेने का जो प्लान है वो भी कामयाब हो जाता है, हर चीज हो जाती है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हमारा कैंडिडेट वजीर आजम का कौन है? इमरान खान को कैसे निकालना? चलिए इसको भी छोड़ दें, इमरान खान को निकालने का लाहे अमल क्या है? इमरान खान पर केसेस का क्या लाहे अमल है जो कि इस वक्त सजाएं हुई है? अगर 1-2 में और सजाएं दे देते हैं उसके बाद क्या जाएगा? अब वही कोर्ट्स तो वही है, और किसके अंडर हैं वो तो उसी के अंडर हैं जिसके अंडर रहेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट को ले लें या हाई कोर्ट को ले लें, तो उस पर क्या लाहे अमल कुछ है हमारा, अगर आप बताना चाहें तो? इट्स एंटायरली अप टू यू। नहीं नहीं, वाई नॉट, बिल्कुल जरूरी है। देखो जहां तक पोस्ट इलेक्शन का है, तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी स्टेप जब हम लेते हैं डाउन द लाइन वो खान साहब के मशवरे से लेते हैं। जिस तरह टिकटें सारी तकसीम हो गई थी खान साहब के मशवरे से, तो फिर हुकूमत को कैसे बनाना है, केपी में बनाना है, पंजाब में, सारे सूबों में और सेंट्रल में, कौन वजीर आजम होगा, ये तो ऑब्वियसली खान साहब अभी जेल में है, तो वो, लेकिन ये ईच एंड एवरी डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय खान साहब, और कोर कमेटी डिस्कस करती है, रिकमेंडेशन जरूर रखती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लाइज विद खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट विल कंटिन्यू टू बी द केस। जहां तक उसके निकलने का है तो यस, फर्स्ट कम फर्स्ट, वो सबसे पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं खान साहब के लिए, जिस तरह की आज का डिसीजन था, तो मेरा ख्याल है ये तो कोई भी नहीं करेगा, ये तो जज साहबान भी इतने ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने भी देखा है जो प्रोसेस उन्होंने चलाया, जिस तरीके से खान साहब का तो शहाना का केस जल्द खत्म हो गया, अनमेरिट हुआ था, और विद इन अ मंथ हमें जो है उसका वो मिल गया था, बेल मिली थी, उसमें जजमेंट सस्पेंड हो गई थी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें भी कोर्ट कोई देर लगाएगी, क्योंकि ये तो जनरल प्रिंसिपल, अगर हम कोर्ट को कहें कि आपने ये वकला नॉमिनेट कर दिया, आपने ये एविडेंस नहीं किया था, और इस वजह से तो ये सस्टेन ही नहीं कर सकता, तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसमें भी बेल मिलेगी, और अगर दूसरे में करते हैं, बाकी जो केसेस पेंडिंग है उसमें खान साहब की कन्विक्शन नहीं है, और कोई और ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब बेल पर नहीं है, तो ये 2 केसेस है, अगर उसमें जिस तरह ये कन्विक्शन खत्म हो जाती है और दूसरे में बेल मिल जाती है तो फिर आए, लेकिन ऑब्वियसली कानून की ऐसी कॉम्प्लिकेशन जरूर है कि उन्होंने केसेस ऐसे इतने ज्यादा बनाए थे कि उसमें बेल आफ्टर बेल आफ्टर बेल आप जाएंगे तो वो कोई टाइम लग जाता है, लेकिन इट विल नॉट बी दैट लॉन्ग नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। देखो जो भी ये कर रहे थे, ये एंटायर प्रोसेस इनका आफ्टर द इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद ये जो 2 केसेस में हो चुके हैं,
आई थिंक दिस टाइम अराउंड कोर्ट जो है ना बेल जल्दी देगी इंशाल्लाह। हाँ मेरा थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स, बहुत प्लॉजिबल है। मोहित साहब आपसे मैं एक चीज का बस, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ डॉट कनेक्टिंग, हमने भी थोड़ी सीख ली आपसे, एटलीस्ट वी थिंक सो। तो मुझे सिर्फ ये एक आर्ग्यूमेंट रखना था, आपने कहा कि ये 750 कैंडिडेट्स उनके टारगेट हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ। ये सारे के सारे जो पीटीआई के जो हमारे एक्स लीडर और एक्स यू नो पार्टी होल्डर्स थे, तो वो मुझे ये कहते हैं जब भी बात करते हैं, जब भी सोशल मीडिया पे ग्रैंड शो होता है, वो कंग्रेचुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि यार मतलब वी विश वी वर पार्ट ऑफ इट। और आपका भी यही है कि आपकी ठड़क ये है कि आप अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे सकें, तो अगर आप रुके हुए होते तो आपको कितना, आप यू वुड हैव बीन फीलिंग कि मैं कितना मिस आउट कर रहा हूँ इस जमाने में, बोल नहीं सक रहा। तो इन्होंने जो मुझे कहा ना एक बात कि मेरी ना सबसे बड़ी, एक बंदे ने कहा कि सबसे बड़ी गलती ये थी जब मैं अंदर था, मैं कन्विंस हो गया कि ये इमरान खान को माइनस कर सकते हैं, और जब मैं देख रहा हूँ सब कुछ, लोगों का जोश, कभी सोशल मीडिया हावी हो जाती है, वर्चुअल जलसा कर देती है, कभी रैलियाँ निकल जाती है, तो मैं अपने आप को आई किक माइसेल्फ कि मैंने ये कैसे बिलीव कर लिया, मैं तो बहुत होशियार इंसान था। तो इस फिनोमेना ये प्लॉजिबल है कि नहीं कि वो 750 इसलिए नहीं कन्विंस होंगे? और बैरिस्टर गौर साहब यही कह रहे थे कि वो जो पीपल का जो ग्लू है कि वो नहीं छोड़ेंगे, तो वो मुझे बताएं कि प्लॉजिबल आपको लगता है कि ये 750 लोग नहीं सोए होंगे उस तरफ? जिब्रान बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए पहले मैं ये कि अगर मैं पाकिस्तान में होता, मैंने एक चॉइस ये की कि अगर मुझे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मेरा, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी जो है, मेरी तमाम जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है वो मेरा एक्सप्रेशन है। मैंने मेडिसिन छोड़ी अपने एक्सप्रेशन के लिए, मैंने सिविल सर्विसेज छोड़ी अपने एक्सप्रेशन के लिए, मुझे अपना एक्सप्रेशन चाहिए था। पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो रहे थे कि मैं वो कुछ कह नहीं सकता था जो मुझे आजादाना तौर पे कहना चाहिए था। और मैं, आपको पता है कि इमरान खान को भी अपने वीलॉग्स में बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये भी गलती की, ये भी गलती की, वो भी गलती की, लेकिन लोग मुझे उस हवाले से माफ़ कर देते हैं, मेरे अलावा किसी और को माफ़ नहीं करते, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं अपना एक परस्पेक्टिव जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होता और अब उन 750 लोगों को देखें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो जिस किस्म का दबाव होता, जाहिर है मुझे, मैं सब कुछ ये ना कह सकता, वो हो सकता है मुझे पकड़ के मारते भी ना, लेकिन मैं ये सब कुछ ना कह सकता और ये सारी अवेयरनेस जो मेरे अपने अंदर भी आई है ये भी ना आ सकती। अब ये 750 लोग बड़ी मुश्किल में हैं, इसलिए कि चौधरी निजामुद्दीन की बड़ी सख्त, चौधरी निजामुद्दीन को ये पता चल गया है कि नवाज शरीफ को ठप्पे नहीं पड़ने लगे। ये तो मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ गई होगी कि लोगों का मूड ही नहीं है, वो नवाज शरीफ के निशान के ऊपर उन्होंने ठप्पे लगाने नहीं है। अब सारे डब्बे भरे भी नहीं जा सकते, जहां 3,000 वोट पड़े हैं उसको 3,00,000 वोट में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि ये जो 750 लोग हैं इनके ऊपर बेतहाशा दबाव होगा और इनमें से जितने लोगों को वो तोड़ना चाहें वो तोड़ेंगे। और आज का जो फैसला है, इसका प्रिंसिपल विक्टिम जो है, जो टारगेट है, वही 750 लोग हैं। इनको वो साइकोलॉजिकली ब्रेक करना चाह रहे हैं, प्रिजनर डायलमा जिसे कहते हैं कानून में, बैरिस्टर गौर साहब उसको समझते हैं, उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमने तमाम चीजें मैनेज कर ली हैं, हम तुम्हारे लिए राह जो है वो निकाल सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था संदाना गुलजार साहिबा से, मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उस इंटरव्यू में बाकी तो चले सियासी चीजें थी, एक उन्होंने वो वाकया बताया कि कैसे एक एक फॉरेन एम्बेसी जो है उसने उनको बुलाया फरवरी 2022 में और उनको कहा कि भाई आप इमरान खान को छोड़ दें, बिकॉज वो लोग भी ये चाहते हैं कि छोड़ दें और चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कम अज़ कम 20 लोगों को वो जानती हैं जिनके साथ इस किस्म की कॉन्वर्जेशन गैर मुल्की एम्बेसीज की हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर 20 लोगों को वो ज़ाती तौर पर जानती हैं तो शायद 40-50 और लोगों से भी बात हुई। अब इसकी अहमियत यह है, अगर डॉट कनेक्टिंग करें, कि जाहिर है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, ये इससे बड़ी क्या एविडेंस हो सकती है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये अंदरूनी नहीं है सारा, इसके पीछे बैरूनी ताकतें भी खड़ी हैं। ये मैं सारी चीज़ें देखता हूँ और लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, बैरिस्टर गौहर और आप ठीक कह रहे हैं, लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, लेकिन कोई ऐसा और भी अल्टरनेट थिंकिंग बैरिस्टर गौहर और आपकी जितने भी और टीम है, जरूरी नहीं कि उसको आप अनाउंस ही करें यहाँ पे, वो जहन में होनी चाहिए कि आखिर इस तमाम सूरत हाल का हल किस तरह से निकले। नहीं, ये तो सवाल आपसे ना डॉक्टर साहब मेरा, मैं यही सवाल आपसे करना चाहता था कि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज इन द जेल, चेयरमैन इज इन द जेल, फाउंडिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इज इन द जेल, फर्स्ट लीडरशिप, तमाम चीजें आपके सामने, हालात आपके सामने, इससे आगे किस तरह बढ़ना, इलेक्शन भी करवा देंगे, इलेक्शन होकर वोट भी, अगर डब्बे भी भर लें, चले हम कहते हैं डब्बे भी भर लें, डब्बे भरकर उनको ले भी आए, जाहिर सारी एक्सरसाइज है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। और आपकी बात से मुकम्मल मुत्तफिक हूँ कि 1 से 7 तारीख तक की और 3-4 चीजें करेंगे जिसको बैरिस्टर गौहर साहब को वो टैकल करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह, श्योर कि वो बहुत ज्यादा तैयार है इसके लिए, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग तो होगी ना जाहिर है। लेकिन इसमें जो भी प्लानिंग है,
आगे तो नहीं बढ़े ना, पिछले दो साल से हम आगे तो नहीं बढ़े, हम तो एक इंच भी आगे नहीं मूव हो रहे, तो आगे मूव कैसे होना है? स्टेलमेट है ना बेसिकली, इट्स अ स्टेलमेट बेसिकली, सो स्टेलमेट को किस तरह खत्म करें? इसको कैसे स्टेलमेट किया ना, कि पहली बात है कि जनरल बाजवा ने जब ये सब कुछ किया तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये स्टेलमेट इतना लंबा हो जाएगा, उनका जाहिर है हर स्टेप पे उनकी कैलकुलेशंस मुख्तलिफ थी, लेकिन जिस तरह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने इसको रेजिस्ट किया, उसके साथ साथ चौधरी निजामुद्दीन और बाकी सब लोगों ने भी अपने आप को एडजस्ट किया। अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ उनके साथ किसी स्टेज पे कॉपरेट करते, एक एकोमोडेशन हो जाती, कोई एग्रीमेंट होता, उनकी बातें मान ली जाती, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर असेंबलियों में रहते, कुछ और करते, तो शायद ये चीज़ें इस तरह से ना बढ़ती। अब इस सारे सिस्टम में सब लोग फंस गए हैं, तहरीक इंसाफ फंसी हुई है, पाकिस्तान के लोग फंसे हुए हैं इसमें, पीएमएलएन फंसी हुई है इस पे पीपीपी फंसी है, इन द प्रोसेस पीएमएलएन सियासी तौर पे खत्म हो गई है। जब वो मार्च 2022 में पीएमएलएन का अपना पंजाब के अंदर अच्छा खासा एक उनका वजन था, वो इस सूरत हाल में नहीं थे जिस सूरत हाल में आज है, तो इसकी जो मेन कैजुअलिटी है सियासी तौर पर वो पीएमएलएन है। दूसरी तरफ से स्ट्रक्चर में पीटीआई फंसी हुई है, बिकॉज पूरा निजाम के ऊपर जो है चौधरी निजामुद्दीन का कंट्रोल है, चौधरी निजामुद्दीन और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो भी फंसा हुआ है, बिकॉज स्टेलमेंट से चीजें आगे जो है वो जा नहीं रही, वो इस स्टेलमेंट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे खत्म करना चाह रहे हैं। यहाँ किसी को मेडिएशन करवानी है, अब इसके दो प्लेयर्स हैं, एक इंटरनल है जहां मेडिएशन नहीं हो पा रही, दूसरी वो बैरूनी ताकतें हैं वहां पर भी मेडिएशन नहीं हो पा रही, बिकॉज पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी वेस्टर्न में जहां पर भी हम हैं वो हम इतने कमजोर हैं और सिस्टम के अंदर हमारी कोई अप्रोच नहीं, हमारा सारा रिलेशनशिप यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए पाकिस्तानी अमेरिकन ने, लेकिन मैंने देखा है कि वो सारा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो पावरफुल इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमारे साथ नहीं थे। तो ये सिचुएशन का कोई मुझे हल होते हुए नजर आ नहीं रहा है, बिकॉज अब एक तहरीक इंसाफ का चैलेंज ये है कि आपने अपनी जो लोगों के साथ कनेक्ट है और लोगों के अंदर जो एक फीलिंग है उसको जिंदा रखना है, बिकॉज उनकी कोशिश ये है, ये सारा का सारा जो कर रहे हैं केसेस के सारे, इसमें फैसला सुनाओ, इसमें फैसला सुनाओ, इसका बुनियादी मकसद है कि लोगों को डीमोरलाइज करके एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भाई आगे जो कुछ आप सोचते हैं उसको कोई फ्यूचर नहीं है, आप हकीकत को तस्लीम कर लें। अब 22 महीने से लोगों ने उस हकीकत को तस्लीम नहीं किया और लोग खड़े हुए हैं, पॉलिटिकल क्लास ने भी तस्लीम नहीं किया, वो भी खड़े हुए हैं। अगर पॉलिटिकल क्लास इसको तस्लीम कर लेती तो फिर सैकड़ों हजारों लोगों को जेल में डालने की जरूरत नहीं थी, मे 9 का ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। तो ये सिचुएशन फंसी हुई है, अब इसका हल यानी हल कोई नजर नहीं आ रहा ठीक तरह से। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तो जब उस वक्त नहीं हुआ, इतना जुल्म हो गया, अब तो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अब तो इनको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मुझे लाख वोट पड़ा है, तो अब तो उनका कंपल्शन और बढ़ जाना चाहिए कि अब तो हम लोगों को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम हैं तो चलो बाहर निकल जाओ, मेरी फैमिली है, मेरी पूरी जनरेशन इस इलाके की है, तो अब तो वो और कंपेल्ड नहीं हो गए जैसे एक ज्यादा, क्योंकि एक एहसान भी है, एक ह्यूमन नेचर भी है कि यार मुझे लाख वोट पड़ा है, इतना तो मुझे पढ़ ही नहीं सकता था, तो वो तो ज्यादा मतलब कनेक्शन बन गया ना इमरान खान से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो लोग कह रहे हैं ना, मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सनल एनेक्डोट इसलिए दे रहा था बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल ना, जैसे हमारे सोशल मीडिया के लोग अब्डक्ट हुए, सही, बहुत सारे लोग अब्डक्ट हुए, वो मुझे रो के कॉल करते हैं कि यार मैं एक ट्वीट करना चाह रहा हूँ इमरान खान की, मैं नहीं कर सक रहा, प्लीज तू करते हैं अपने अकाउंट से, मतलब दे आर यू नो, उनकी आप साइकी देखें कि अगर आपको बोलना नहीं मिले तो आपके क्या हाल हो, तो उनका भी यही हाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर लोग हैं, एक तो होता है ना एक एलिगरी ऑफ द केव जो आपने पढ़ा होगा प्लेटो का, सही है, थ्री पीपल इन द शैडोज, वो एक बाहर गया, उसको दीन दुनिया समझ आई, उसने आके बताया कि भाई बाहर तो ये हो रहा है, तो ये वाले सब लोग तो बाहर ही अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितना सपोर्ट है। मतलब कोई कहता है, कोई कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 70% सपोर्ट इमरान खान का, मैं कहता हूँ जो मैं पल्स देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है 90% प्लस, या कोई कह ले 80% प्लस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया दौरे इमरान में हम रह रहे हैं, सब इन सबको देख रहा है, तो फिर ये कैसे दूसरी तरफ जा सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्टेलमेट है ये जैसे और लंबा होगा, इट हैज टू बी सॉल्व्ड इन फेवर ऑफ इमरान खान, इफ नॉट ऑन अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए स्टेलमेट को तो कहीं रिजॉल्व होना है ना, स्टेलमेट का तो सब पे बहुत प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इसका बहुत प्रेशर है। अब बदकिस्मती से यानी कुछ शख्सियात का भी कुछ इस किस्म का यहाँ पे सिचुएशन डेवलप कर गई इस वक्त सिस्टम में, कि कुछ शख्सियात भी बहुत ही जहनी तौर पे उलझी हुई हैं, जिस किस्म का तदब्बर हम रवायती तौर पे सोचे थे कि हमारे सिस्टम के अंदर है, वो भी हमें कहीं वो तदब्बर भी नजर नहीं आ रहा। यानी कोई ऐसा सोल्यूशन फाइंडर दरमियान में है ही नहीं, सब लोगों ने हार्ड पोजिशन ली हुई है। अल्टीमेटली इसमें कोई सोल्यूशन फाइंडिंग होनी है, वो सोल्यूशन फाइंडिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है। जब तक सोल्यूशन फाइंडिंग नहीं होगी, ये सूरत हाल ना, लोग पीछे हट रहे हैं, वो सोचते हैं कि लोग डीमोरलाइज होकर हट जाएंगे, 750 में से वो कितने लोगों को तोड़ते हैं। आप सही कह रहे हैं कि उनको भी नजर आ रहा है कि भाई हमें लोग हमारे साथ खड़े हैं,
और लोगों से भी पीछे हटना मुश्किल है, लेकिन हल फिर भी कोई नहीं निकल रहा, वो तो बजद है। अभी तो ये क्लियर नहीं है कि 8 फरवरी के पहले सपोज ये सारी असेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनसे 8 फरवरी मैनेज ही नहीं हो पाएगा तो ये हो सकता है कि कोई उन्होंने, क्योंकि वो तो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ खेलते हैं, तो ये हो सकता है कि वो 8 फरवरी से पहले कोई और ही चीज ऐसी कर दें कि 8 फरवरी को आगे ले जाएं, ये भी इसको भी रूल आउट किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक जो लोगों का आपने बात की ना, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये चार्ट, ठीक है। अच्छा ये लोग हैं सही, अब लोगों को तो बॉटम लाइन जैसे एक होती है ना कि उनकी जो जेबों पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो मतलब पीडीएम से पहले देख लें और पीडीएम के बाद, डॉलर 176 टू 280, पेट्रोल 150 टू 292, तो ये तो मतलब नहीं उनके साथ रह सकते ना ये जो इम्पोज करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉर ऑल इंटेंस पर्पसेस ये दिस इज पीडीएम 2, इस पे तो आप अग्री करते होंगे पीडीएम 1 आ गई सही है, पीडीएम 2 है, तो वो तो उनका साथ वो तो नहीं जो बैठेंगे ना, बिकॉज उनकी अपनी लाइवलीहुड, उनका अपनी जेब अफेक्ट हुई है, तो वो पीपल की कन्वेंशन कंपल्शन है। तो आप डीपर लेवल पर जैसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक बात कहता हूँ, ये इमरान खान को दबाना, हम सबको थोड़ा चुप कराना, ये सिस्टम की कंपल्शन है, बट देर इज अ कंपल्शन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान विच इज इन फार हाई मेजोरिटी, मतलब वो कोई 25 करोड़ लोग हैं और उनकी उन सब की जज्बात, मतलब अब तो मोहब्बत इश मुर्शिद से ज्यादा, मतलब हमारा मुर्शिद टॉप पे है सारा पॉपुलैरिटी, मतलब हम जिस सिस्टम पे गए, मतलब मैं आपको बता दूं स्ट्रीम यार्ड पे हम गए, स्ट्रीम यार्ड चौक हो गया, हमने मैसेंजर सर्विस ऑन की, फेसबुक भी सोच रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है वहां पर, लोग हल्का नंबर पूछ रहे हैं वो चौक, हम टिकटॉक पे गए टिकटॉक चौक, तो मतलब ये तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो चौक हो रहे हैं, तो इतने ज्यादा जो सपोर्ट है, तो मैं तो नहीं समझता कि लोग, क्योंकि उनके तो अपनी लाइवलीहुड है, वो तो नहीं गिव अप करेंगे, जैसे अगर किसी को कन्विंस कर भी जाए कि इमरान को माइनस कर सकते हैं, आई डोंट थिंक द पीपल वुड एग्री, तो आई थिंक यू नो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वी वन इन दैट सेंस, बट आई थिंक ये सॉल्व होना भी बहुत जरूरी है लाइक यू सेड। देखिए ना, बैरिस्टर गौहर भी सुन रहे हैं बहुत ही तहम्मुल से और खामोशी से, अल्टीमेट किसी भी प्रॉब्लम का जंग के बाद भी उसमें फिर दोबारा नेगोशिएशन ही होती है, यहाँ हो ये रहा है कि सिस्टम जो है चौधरी निजामुद्दीन का वो अच्छी तरह से देख रहा है कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ उनकी जिद ऐसी है, कुछ उनकी लगता है मजबूरियां ऐसी हैं, मैंने इसीलिए कहा कि इसमें बैरूनी अवामिल भी हैं, ऐसा लगता है कि जो बैरूनी अवामिल या बैरूनी ममालिक का असर रसूख है सिस्टम के अंदर वो कभी इतना नहीं था, क्योंकि पहले हम हमेशा ही कहते हैं कि हमेशा था, लेकिन मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान का अंदरूनी सिस्टम कभी इतना उसने बाहर को सरेंडर किया है जितना 2021-22 के बाद से हमने सरेंडर देखा है। फॉर इंस्टेंस ये जो शंदाना गुलजार के साथ और 20-25 और लोगों के साथ बातों का हम सुन रहे हैं, ये कब सुना था? मैं तो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा कीन स्टूडेंट हूँ, इस किस्म का चीज के बैरूनी वेस्टर्न एम्बेसीज इस्लामाबाद के अंदर बैठ के लोगों को कह रही हूँ कि भाई आप फलां पार्टी को छोड़ के फलां पार्टी को ज्वाइन कर लें बिकॉज हम तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके इदारे भी हमारे साथ हैं, ये चीज मैंने तो कभी पहले नहीं सुनी है, मैंने तो ये 77 से लेके आज तक इसकी कोई एविडेंस ऐसी देखी ही नहीं है, अभी तो आपके सामने एविडेंस है इस चीजों की और भी बहुत चीजें हैं जिसका हम सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो अब इस सारी उलझी हुई सूरत हाल के दरमियान में किसी ने नेगोशिएशन करके हल निकालना है, बदकिस्मती से कोई नेगोशिएटर नहीं है, आपको हमेशा एक नेगोशिएटर चाहिए होता है, अब इसमें नेगोशिएट किसी को करवाना है, कई दफा अगर आपको इंटरनल नेगोशिएटर नहीं मिलता तो आपको कोई फॉरेन नेगोशिएटर चाहिए होता है, कोई मिडिल ईस्ट से नेगोशिएटर होता, कोई और नेगोशिएटर होता, यहाँ नेगोशिएटर भी कोई नहीं है, कुछ ऐसा कर दिया है हमारे अपने लोगों ने, कुछ ऐसी उनकी विजन की कमी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को एक रियलिटी नजर आ रही है। अब आखिर अगर आप इमरान खान के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मैं मुझे नहीं पता कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनके उनके लेंस से देखूं तो वो ये चाहते होंगे कि सिस्टम ये रियलाइज करे कि लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं और सिस्टम को इसमें एक फ्री फेयर इलेक्शन होने देना चाहिए। सिस्टम ऑन द अदर हैंड ये समझता है कि हम इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अगर हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने देते हैं और लोगों की बात मान लेते हैं तो हम खत्म हो जाते हैं, फिर आगे हमारा क्या होगा? वो इतने जुल्म कर चुके हैं, इतनी ज्यादतियां कर चुके हैं, वो इतने आगे जा चुके हैं कि उनको भी इसमें से कोई वे आउट चाहिए, तो वे आउट किसी ने ढूंढनी है। अब वो मैं नहीं ढूंढ सकता, लेकिन किसी ने वो वे आउट ढूंढनी है, वे आउट ढूंढना के बगैर नहीं चल सकता। चलिए जी, आखिरी 5 मिनट है मेरे पास। बैरिस्टर साहब, वे आउट तो ढूंढना है, नेगोशिएट तो करना है, इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन का जो नतीजा आना है उसके बाद हम नेगोशिएशन करने के लिए तो तैयार हैं, हम समझते हैं, लेकिन क्या हम कोई वो एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं राइट आफ्टर इलेक्शन कि हमने तो बैठ के मसले को तो हल करना है? अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर हम मेजॉरिटी में आ जाते हैं, और अगर हमें मेजॉरिटी नहीं भी देते, हमें 70-80 सीटें भी दे देते हैं किसी तरह, तो फिर भी हम सबसे बड़ी अपोजिशन जमात होंगे, तो हम अगर नेगोशिएशन के लिए बैठने का क्या प्लान है? डू वी हैव एनी प्लान ऑन दैट?
देखें अली मलिक साहब, पहले तो ये है कि नेगोशिएशन का अभी तक एनवायरनमेंट तो उन्होंने क्रिएट किया नहीं है। उनके साथ हम क्या नेगोशिएशन करें, ये नेगोशिएशन करें कि हमें कितनी सजा देनी, और क्योंकि इनकी तरफ से जो सख्ती हमारे साथ हो रही है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, केसेस पे केस, और जिस तरीके से ट्रायल भी चला रहे हैं, तो इट्स मोर देन दिस। लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शन वी विल हैव टू एंटर इनटू अनदर फेज। ले और अभी तक जितने भी लोग हैं तो इसलिए वो स्टैलमेट आया है पॉलिटिकल, और कोई निगोसिएशन किसी तरफ नहीं हो रही थी। एक तो नवाज शरीफ बाहर, और बाहर होने की वजह से उसके लिए डील की जा रही थी और उसको लाने की कोशिश की जा रही थी, तो सारा एम्फसिस उस तरफ था। और दूसरी जनवरी से ऑनवर्ड्स हम ये कोशिश करते रहे कि कब इलेक्शन होंगे, कब इलेक्शन होंगे, एंड राइट आफ्टर मई के बाद जो सरकमस्टांसेस है वो आपने देखे। जून में भी कोशिश कर रहे कि इलेक्शन हो, अगस्त में भी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट को, ये बार बार हम अप्रोच करते रहे कि फाइनली इलेक्शन हो। अब जब कि इलेक्शन हो जाए, एंड ऑब्वियसली वी विल हैव ऑल दी कैंडिडेट्स, और हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वी विल हैव टू प्ले आवर रोल। इसलिए जब वंस वी आर इन द पार्लियामेंट, देन देयर वुड बी रियली समथिंग दैट वुड बी देयर वुड बी स्पीकिंग वन इटसेल्फ। क्योंकि समटाइम ये होता है कि अगर आपके पास पॉपुलर वोट है भी और पॉपुलर सपोर्ट है भी, लेकिन आपके साथ एक अलायंस में कोई पार्टी नहीं होती और आपके पास वहाँ स्टेज नहीं होता टू पुट अप योर वर्शन, तो जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला दिस विल टर्न अराउंड, ये सिचुएशन एज इट इज नहीं रहेगी। सेकेंड ये कि हमने मुल्क को भी तो आगे लेके जाना है, अगर इलेक्शन के बाद भी हालात जो कि तू रहे, और इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट, और इसके लेजिटिमेसी पे ये ऑलरेडी क्वेश्चन तो है ये इलेक्शन, लेकिन अगर फिर भी हल्के खुदा को वोट डालने भी नहीं दिया गया, और जिस तरह प्रपोजर सिकंदर को एक पार्टी के हमारे रोके गए, अगर यही तरीके कार रहा तो ये तो बड़ी मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन थिंकिंग के इंशाल्लाह ताला ये समहाउ तो फेयर होंगे, अगर इसी प्रोसेस से हम गुजर गए और पार्लियामान में गए, तो वंस वी आर बैक इन द पार्लियामेंट तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के मोर अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो निकल आ जाएंगे, और फिर एक फोरम ऐसा ही होगा जिसमें सारे डिस्प्यूट हम, क्योंकि हमारे केसेस भी इवन ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला के ये रिजॉल्व हो जाएंगे। और पहले इसलिए कोई हल नहीं मिल रहा था कि जो पीडीएम की हुकूमत आई थी उनकी प्राइमरीली तो उनकी कोशिश यही थी कि सबसे पहले अपने बदइनवानी के केसेस सारे खत्म कराए, तो वो तो उस चक्कर में लगे हुए थे। राइट आफ्टर द गवर्नमेंट सबसे पहली लॉ उन्होंने पास करवाई तो ये कि 50 करोड़ से कम कोई केस जो है वो करप्शन का केस ही नहीं माना जाएगा। ये दुनिया के हिस्ट्री का पहला मुल्क बना कि 50 करोड़ से कम केस करप्शन नहीं है। आप देखो ना करप्शन का स्टैंडर्ड, हाँ जिस तरह अमेरिका में कहते हैं जी कि पावर्टी का स्टैंडर्ड वो बढ़ा देते हैं, कि पहले अमेरिका में पावर उसको कहा जाता था, अब अमेरिका में पावर्टी में उन लोगों को भी डाला जाता है जिनके पास टीवी सेट नहीं होता। तो ये हमारे पास करप्शन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया, 50 करोड़ से कम करप्शन नहीं। लेकिन इंशाल्लाह राइट आफ्टर द इलेक्शन सारे लोग कोशिश करेंगे, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला के सरकमस्टांसेस। आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही है, लेकिन मैं बड़ा छोटा सा जवाब चाहता हूँ सिर्फ 8 फरवरी के बारे में, और हमारी आपसे आगे मुलाकात होती रही। मैं चाहता हूँ जिब्रान आपको जाने से पहले ये बताए, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल जरूर है, बड़ा पर्सनल सवाल है, और आपके ट्वीट को लेकर मैं आपको आपसे पूछूंगा, लेकिन बैरिस्टर साहब से मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब और जिब्रान आप बताइए कि हमारा अगले 4-5 दिन का क्या प्लान है बैरिस्टर साहब को, क्योंकि हम उनको एंगेज रखेंगे। बैरिस्टर साहब 8 फरवरी को हाउ डू यू सी दैट डे, अगर इलेक्शन उस दिन हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट, आप इमेजिन करें उस दिन को कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लाइनें लगी होंगी, एक माहौल इलेक्शन वाला होगा, एज अ चेयरमैन ऑफ द पार्टी अब क्या आपके तासुरात 8 फरवरी को? अली मलिक साहब मैं समझता हूँ ये बड़ी क्रिटिकल इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के लिए पूरी कौम जो है ना, एट लीस्ट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट द पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे टू कम फॉर द लास्ट 1 ईयर। और पहले लोग एक साल के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन खान साहब ने जिस तरीके से लोगों का जज्बा उठाया है, और खासकर जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई है, और डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि इसके जो भी इम्पैक्ट है, ये डिसीजन जो आए हुए हैं, लेकिन जो डिसीजंस, ये डिसीजन जो आज आया साइफर का, और इसके बाद कल अगर जो एडवर्स डिसीजन लेके आने वाले हैं शायद, और उसमें बीबी भी इन्वॉल्व है, तो इनकी सरकमस्टांसिस से लोगों की सिंपति आपने देखा टीवी पे, इवन मेन स्ट्रीम पे, कि जो लोग हमें सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, हमारे क्रिटिक थे, वो भी हमें अब सपोर्ट कर रहे हैं कि यस ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही हमारे साथ हुआ है, देयर इज नो डाउट कि हमारे साथ कितनी ज्यादतियां हुई है। इसलिए अवाम, इस मेरा ख्याल है कि अवाम का टर्न आउट जो है ना वो भी बेमिसाल होगा इंशाल्लाह ताला।
और कोई लोग है बंदा नहीं है, और खासकर जिस तरीके से हमसे बैट लिया गया, बल्ले का निशान लिया गया, तो बल्ले का ना हो, निशान का ना होना, खान साहब का जेल में होना, सजाएं का होना, लोगों का हमारी लीडरशिप का अंदर होना, तो अवाम अब समझ गई है कि जान चुकी है कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल निकालने के लिए। और इल्जाम ही क्या कि जी आपने फलाना चीज लहरा दिया तो इस पर आप इतनी बड़ी सजाएं देते और सब कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़े क्रिटिकल इलेक्शन है, और उस दिन पाकिस्तानी अवाम जहां जहां भी होगी वो सारे लोग निकल आएंगे, टर्न आउट बहुत ज्यादा होगा, और इंशाल्लाह ताला वो खान और खान की पार्टी और खान के निशान और जो कैंडिडेट पे खान ने हाथ रखा है इंशाल्लाह ताला उसके फेवर में होगा और इनके मिल के बेहतरी के लिए होगा। और हमने उनको अपील भी की और मैं अभी भी उनको अपील करूंगा कि तहम्मुल रखे, पीसफुल रहे, और कोशिश करे कि अल्लाह करे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट इसमें ना पेश हो और ये प्रोसेस कम्प्लीट हो दे। चलें बैठे साहब, 1:20 हो गए हैं, चेयरमैन साहब को बस स्केड्यूल बता दें और फिर हम जो है ना चेयरमैन साहब से इजाजत लेंगे। अच्छा, ताकि मैं सबके लिए बता दूं, डॉक्टर मोहित साहब आप जिसमें भी आना चाहें प्लीज, डॉक्टर बैरिस्टर साहब कल हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च है, अगेन सारे वर्चुअल इवेंट्स है, मैनिफेस्टो लॉन्च कल, उसके बाद ग्रैंड टिकटॉक जलसा थर्सडे, फ्राइडे को हम एक कोशिश कर रहे हैं अर्बन यूथ को इंस्टाग्राम लाइव पे कि भाई आप मुल्क छोड़ के मत जाएं, आप इस मुल्क में रहें सही है, और उसमें सारे यूथ कैंडिडेट्स जो हमारे हैं अर्बन कैंडिडेट्स वो होंगे। सैटरडे को ग्रैंड फिनाले वर्चुअल जलसा, और फिर उसके बाद मीट द कैंडिडेट्स की सीरीज है पूरी की पूरी आखिरी दिन तक, मंडे के सारे वर्चुअल इवेंट्स हैं। और मैं इसका भी कह दूँ कि ये वाला जो आज मुझे दिख रहा है I think we will hit at least 3 million, if not more, because जो आप लोगों को देखने के लिए काफ़ी लोग बेताब थे, और जो views आपने दिए हैं, जो deep conversation की है, एक थोड़ा आगे का बताया with insights, I think जो comments आ रहे हैं it's बहुत बहुत encouraging है, और लोगों ने बस एक promise किया है आप लिख के ले लें कि ये सबसे ज्यादा टर्न आउट वाला इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। आप पर ना, आप पता नहीं आप ट्वीट कर देते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, बड़े आदमी हैं आप ऐसी ट्वीटें कर देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मुल्क दुश्मन किस्म का इंसान है और ये एक अच्छा इंसान नहीं है, और ये कहता है कि अगर मेरे वालिद साहब होते तो मैं तो आई वुड हैव आस्क्ड हिम व्हाई डोंट यू इमिग्रेट, आपने जो है ना ये मुल्क छोड़कर क्यों नहीं चले गए 1957 में जब आपने किया, बड़ी आप पर तनकीद हुई, उन्होंने कहा यार ये तो जिस मुल्क ने आपको डॉक्टर बनाया, पासपोर्ट दिया वगैरह वगैरह। आई एग्री व्हाट यू सेड बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। अच्छा ये इसको पहले तो इस पे ये है ना कि फोन करवाए गए बहुत से मीडिया के लोगों को, फोन करवाए गए कि भाई ये स्ट्रीट के ऊपर आप अपना अपना रिएक्शन दें, तो उन्होंने नाम ले लेके जो है वो मेरा रिएक्शन दिया, बहुत से जो व्लॉगर्स टीवी वगैरह उनको कहा गया। देखिए वो बेचारे एक सुपरफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें कि इसको 6,000 दफा ये रीट्वीट हुआ, अगर ये ट्वीट पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों के साथ रेजोनेट ना करता, इसमें अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है रेजोनेट करना, अगर ये रेजोनेट ना करे, इसके नीचे चेक करें इसकी रीपोस्ट जो है मेरा ख्याल 6,000 मेरा ख्याल मैंने लास्ट देखा था तो 5,800 इसके थे, फिर इसने को मेरा ख्याल 300 के करीब इसने कोट जनरेट किए, वो भी रिएक्शन हुआ। मैं जो भी चीज़ करता हूँ मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को एक झटका दें, उनको एक शॉक वैल्यू दें, बिकॉज मेरी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुझे कोई वजीर आजम बनने का, SAPM बनने का, MNA बनने का, MPA बनने का, वजीर बनने का तो शौक ही नहीं है, मैं तो एक थॉट लीडर हूँ एक कौम और एक कम्युनिटी का। अब लोग बेवकूफ़ी से जो उस पर उन्होंने सारे कमेंट्स किए हैं नादानी में, वो एक चीज़ को समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा 1957 में अपनी पैदाइश से 10 साल पहले 9 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा बाप पाकिस्तान छोड़ देता तो मुझे ये पेनफुल आइडेंटिटी ना मिलती। गालिब ने कहा था याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफिजा, उसमें गालिब अगर शेर को समझ रहे वो ये तो नहीं कह रहा कि मुझसे मेरी मेमरी छीन ली जाए, मेरे दिमाग की एबिलिटी खत्म हो जाए, वो ये कह रहा है कि मेरी मेमरीज जो है वो इतनी पेनफुल है। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी मुझे मिली है उसमें दुख है, उसमें पेन है, उसमें बहुत तकलीफ है, वो आगे मैंने अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर दी है। अब लोग बेवकूफ़ ये समझ रहे हैं कि शायद आप पाकिस्तान से बाहर निकल के कहीं स्विट्जरलैंड चले जाएं या अमेरिका चले जाएं तो आपकी शनाख्त और आपकी आइडेंटिटी की जो पेन और तकलीफ है वो ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ जो पाकिस्तान से यहाँ से 20 साल पहले हिजरत करके 30 साल पहले लोग यहाँ पे आए हैं, जो मल्टी मिलियनर हैं,
उन्होंने हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर अपनी जेब से खर्च कर दिए, वो उस तकलीफ से निजात नहीं पा रहे जो पाकिस्तान के अंदर से एमिनेट कर रही है। तो मैं उस तकलीफ की तरफ ये इशारा कर रहा हूँ कि मतलब शायद अगर मेरा बाप पाकिस्तान छोड़ देता मेरी पैदाइश से बहुत पहले, मैं अपनी जिंदगी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ कि उस आइडेंटिटी ने इतनी पेन जो है वो पैदा की है, और मैं बेसिकली उस पर सोचने के लिए लोगों को कह रहा हूँ। अच्छा, एक खाली ये आइडेंटिटी नहीं है, दूसरी मुस्लिम आइडेंटिटी की पेन है। अभी जो गाजा में हमारे साथ हुआ है वो मतलब क्या हम उस तकलीफ से अपने आप, हम फलस्तीनी तो नहीं है ना, हम अरब है, लेकिन हम उस पेनफुल प्रोसेस से अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर पाते। पिछले पूरे 7 अक्टूबर के बाद से हमने बहुत टाइम जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजारा। तो मैं उस तरफ जो है वो इशारा कर रहा था, आपने पूछ लिया, मैं सोच रहा था मैं इसमें पूरा वीलॉग करके लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, आप वीलॉग जरूर कीजिए, मैं बस चाहता था क्विक आंसर चाहता था इस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यू नो क्या उसको कहते हैं, जय्यद साफी, सॉरी दैट्स द वर्ड, वो जो है ना वो आपको कोट ट्वीट करते हैं, करवाई गई है मुझे जहां तक पता चला, मुझे किसी ने बताया कि 8 लाख व्यूज हैं बाय द वे, जस्ट सो यू नो 8 लाख के करीब व्यूज हैं आपके इस ट्वीट के बाय द वे, अब तक 8 लाख व्यूज, मतलब वो रीपोस्ट और वो तो कुछ और है, आपके 8 लाख के करीब व्यूज हैं। और हाँ, ये बहरहाल मेरे ख्याल से इन्होंने जबरान ने या हमें स्टूडियो ने मेरे ख्याल से जो है ना वो कर दिया, रेजोनेट कितना किया है जो चीज, देखें असल में चीज मैटर करती है, अगर ये चीज लोगों को हर्ट ना करती तो फिर ये रेजोनेट ना करती, ठीक है, इसने रेजोनेट कितना किया इस फीलिंग ने। अब ये पाकिस्तानी अमेरिकन को देख लें, मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन है, इनमें से कोई किसी रियासत की मेहरबानी से अमीर नहीं हुआ, ये सब लोग अपने घरों में रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, कनाडा में देख लें वो तकलीफ में मुबतला है। मैं पिछले पूरे एक साल कुछ महीने से इनको देख रहा हूँ, ये क्यों अपनी जेबों से अपने हक हलाई टैक्स पेड पैसे खर्च कर करके सेमिनार्स करते हैं। अभी लास्ट जो हमने जॉर्ज वॉशिंगटन में मैंने सेमिनार अटेंड किया था, वहां मैंने पता किया कि उसकी तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ही $15,000 थी, सिर्फ उस जगह की ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट जो थी वो $15,000 थी, वो सब लोगों ने अपनी जेब से, और वो कोई उसकी तशहीर भी नहीं कर रहे, ये वो चीज नहीं है कि लोग चंदा दे के अपना यानी इश्तहार लगाते हैं। जिन लोगों ने तकरीबन 3 मिलियन, मैंने एस्टिमेट किया है कि 2 से 3 मिलियन डॉलर जो है खर्च कर चुके हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन पिछले एक साल चंद महीनों में, ये 22 महीनों में, वो तो किसी कोई उनके नाम से भी वाकिफ नहीं, वो एक तकलीफ में मुबतला है, मैं जिससे बात करता हूँ वो एक तकलीफ में मुबतला है। हाँ, उनकी जो सेकंड जनरेशन पैदा हुई है यहाँ पे वो इसको नहीं शेयर करते, मेरी सेकंड जनरेशन भी इसको शेयर करती है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनकी जो सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं उनको नहीं कोई अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अटैचमेंट, उनमें से बहुत से लोग ठीक तरह से उर्दू भी नहीं बोलते, उनको कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को भी उसी तरह से फीलिंग। ठीक है, और मैं ना चाहता हूँ कि आप ना एक कभी वीलॉग बनाए जब आपको वक्त मिले, और उसका टॉपिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुल्क से मोहब्बत करना क्यों जरूरी है, यानी कि अगर आप मुल्क से मोहब्बत नहीं भी करते, किसी मुल्क में पैदा हो गए हैं, तो यू कैन स्टिल डिसलाइक दैट कंट्री। आप देखिए, एक इस पे अली मलिक, आप इस पे चीज देखिए, मजे की बात है, मैं तो इस पूरी कैफियत से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, पाकिस्तान में बैठे जो तमाम सिस्टम से फायदे उठा रहे हैं, मुनाफिक इब्ने मुनाफिक इब्ने मुनाफिक, वो बैठे कमेंट कर रहे हैं, बेशर्म के बच्चे, हर किस्म के, मैंने देखा एक मुनाफिक है जिसका नाम मैंने मुनाफिक आजम रखा है, ये वो बेहुदा मुनाफिक है, बेगैरत मुनाफिक है, जो एक इंसान को जाके मिला है उसको जाके कहता है, वो इशारे से कहता है कि मैं आदमी नहीं, आप देख रहे, मैं इदारा हूँ, ये वापस आया है उसका पैगाम लेकर, ये भूत का बच्चा, और इसने आके पूरी कौम को ये बताने की कोशिश की है कि मैं एक इदारे से मिलकर आया हूँ, मैं इंसान से मिलकर ही आया, ना किसी इस्लाम के एतबार से देखे, इंसानियत के एतबार से देखे इस कार्टून कैरेक्टर को, उसको उन्होंने कहा कि जनाब मेरे बारे में ट्वीट में करे, वो भूत का बच्चा, उसको कोई चीज समझ नहीं आती, उसको 100 साल और जिंदा रहेगा तो उसे ये चीज समझ आएगी जो आलम ने कही थी कि याद माजी अजाब है यारब छीन ले। मैं फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ, ये बेचारे क्या, ये तो इनको 100 साल और जिंदा रहने की बात होगी, फिर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि पेन क्या होती है। मैंने इसलिए कहा था जब आप व्लॉग करें तो उसमें जरूर जिक्र कीजिएगा कि why does it have to be, कि इन ताज़ा खुदाओं ने, अली मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर कोई लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कोई लोग सुन रहे हैं इसको, बहुत लोग सुन रहे हैं, अभी काफी लोग, मेडिकल काफी लोग, जब मैं मेडिकल डॉक्टर था तो जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, हाउस जॉब कहते हैं उसको पाकिस्तान में, अमेरिका में उसको इंटर्नशिप कहते हैं, मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप की सर्जरी में, जनरल सर्जरी में, सर्जरी सर्जिकल वार्ड 1 में, वहां पे लोग आते थे, हड्डियां टूटी हुई, फ्रैक्चर हुए होते थे, कोई अपेंडिक्स पर फटा हुआ था, किसी को कोलेसिस्टाइटिस होता था, सर्जरी होती थी, सर्जन्स भी बड़े खुश होते थे, लोग भी बड़े खुश होते थे, बावजूद इसके कि वहां ब्लीडिंग हो रही होती थी, ब्लड हो रहा होता था, एक कटिंग हो रही होती थी, वहां लोग खुश होके वापस जाते थे, और हम सर्जरी के वार्ड में सर्जन भी बड़े खुश रहते थे। जब मैंने अपनी सर्जिकल रोटेशन खत्म की तो मैं मेडिसिन के वार्ड में आया, जब मेडिसिन के वार्ड में आया तो मैंने वहां देखा कि वहां पर लोग जो आ रहे थे, वहां पर हर हफ्ते 2-3 लोगों की डेथ हो जाती थी, कोई कैंसर, कोई डायबिटीज की मैनेजमेंट, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, मैंने छोटे बच्चों को कैंसर से मरते देखा, बड़े मतलब मैंने मसले देखे, वहां पर सिर्फ उदासी ही उदासी थी, मेडिकल वार्ड के अंदर
पेन थी, दुख था, गम था। सर्जिकल वार्ड के अंदर खुशी पाई जाती थी, सर्जिकल वार्ड में खून बह रहा था लेकिन वहां खुशी पाई जाती थी। वो मेरे जहन में हमेशा रहा कि पेन होती है। मैंने जिस चीज को बताने की कोशिश की है वो पेन का सफर था, वो जो भूत बेचारा है जो गवर्नमेंट उस पर कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। एक वजीर आजम को आप फांसी दे चुके हैं, एक फॉर्मर वजीर आजम को आपने कत्ल कर दिया सड़कों पर, तीसरे को आप खुशी से कह रहे हैं कि उसको हम फांसी दे देंगे, सजा दे देंगे, उसको ये कर देंगे। उसके ऊपर मैंने कमेंट किया था, मैंने कोई वैक्यूम में थोड़ा कमेंट किया था। मैंने कहा ये आइडेंटिटी इतनी पेनफुल है कि मेरा बाप अगर मुझे ये आइडेंटिटी ना देता। अब वो बेचारे सुपरफिशियल लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद मैं अमेरिका चला गया हूं। ये तो एक फिजिकल रियलिटी है, मैं तो अपने पैदा होने से पहले की बात कर रहा हूं। तो वो सब एक इमरान खान साहब ने एक कमेंट किया था, शायद आपने सुना हो, वो बड़ा मशहूर हुआ था, वो कमेंट बड़ा वायरल हुआ था, नून लीग के बारे में किया था। लेकिन ये मुझे लग रहा है काफी लोगों पर अप्लाई होता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और फिर ना इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते, तो ये तो मतलब उस उन सब पे अप्लाई हो रहा है ना। फिर वो जैसे खान साहब ने ये भी कहा था कोई रह तो नहीं गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज आपको प्रूफ दे रहे हैं लोग कि भाई हम नहीं रह गए, हम भी हैं। थैंक यू वेरी मच। चले खैर, ये अब इस पे बड़ी लंबी बात हुई। चले दीप, आपका बहुत शुक्रिया मोहित पीरजादा साहब, थैंक यू सो मच, और वेरी काइंड ऑफ यू कि मैंने बड़ा लास्ट मिनट में आपको कहा और आपने फिर भी वक्त निकाला और इतना ज्यादा वक्त निकाला, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत दिल से मशहूर। अब अपना व्लॉग कर लूं। थैंक यू जी, बहुत हम तो नहीं देखेंगे देर के बाद, क्योंकि मैं तो जरूर देखूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जिब्रान, आज हमने कोशिश की कि आज इमरान खान साहब के साथ जो पूरा दिन ये होता रहा और ये पूरा जो मौकलियत दबाव इतनी देर से हो रही है उसके ऊपर वो करने की, लेकिन आपने सोशल मीडिया का देखा, सोशल मीडिया का ट्रेंड को देखा, आपने तमाम चीजों को देखा, डू यू सी एनी मायूसी टुडे ऑल डे, यू नो, जब से सदा क्या? मैं वही कह रहा था गौर साहब को कि यार जो मैसेजिंग है ना, आई थिंक ये बड़ा एक क्रेडिट देना चाहिए पीटीआई वालों को कि एक पता नहीं वो टैक्टिक था क्या था, वो जो पहले दो दिन से वो जो एक चल रही थी अफवाह कि डेथ पेनल्टी होने वाली है, तो लोगों ने थोड़ा सा अज्यूम कर लिया था थोड़ा और वर्स। तो जब ये 10 साल का आया तो लोगों ने कहा अच्छा 10, हम तो समझ रहे थे कि ये उम्र कैद और वो डेथ सेंटेंस हो सकता है, तो वो था। और दूसरा ये था कि जो एक हैशटैग था कि ना ही मायूस होना है और ना ही तो वो इतना रेजोनेट किया, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि वो लोग इतने समझदार हो गए, जैसे ये जो जनरेशन है इतनी समझदार हो गई है कि वो बेसिकली बहुत गहराई में जाके देखती है, सुपरफिशियल चीजों पर नहीं देख रही। तो उसकी बड़ी खुशी है कि यार लोग एक ही डायरेक्शन में थे। कभी कभी क्या होता है कि काफी लोग ना फिर डिसएग्री कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं, ये वाला भी होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिटी सबने दिखाई है, पूरे पाकिस्तान ने दिखाई है कि अच्छा यार ये केस कर रहे थे, स्पीडी ट्रायल कर रहे थे, तो पता ही था कुछ ना कुछ तो करना है इन्होंने, तो ये हमें मायूस करने के लिए कह रहे हैं। तो अब तो जैसे ये हुआ है कि वो जैसे इस तरह के जुल्म करते हैं ना, तो जैसे परसेंटेज बढ़ती रहती है ना, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसकी जो वोटर की तादाद है उसकी परसेंटेज इंशाल्लाह बढ़ेगी और बहुत ज्यादा लोग अब दूसरों को कन्विंस करेंगे कि यार अब आपने निकलना है और अब हमने तो सुबह सुबह जल्दी उठना है और पूरा वो करना है। तो आई फील के ठीक है, बस मैं लास्ट में आपसे चाहता हूं कि आप एक बार फिर जरा सबको बता दीजिए कि हमारा अगले चंद दिनों का जो स्केड्यूल है, कि आप कल क्या कर रहे हैं, जुमेरात को क्या कर रहे हैं, जो आपने बताया जरा प्लीज। बिल्कुल, और आई थिंक जो इस पे सम अप जो करना है ना कि अगर साइफर झूठ था तो सजा क्यों हुई, सही है, और अगर साइफर सच था तो हुकूमत क्यों गई। तो नया पाकिस्तान इन्होंने लिखा था, पूरे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, तो ये बेसिकली एक बात है। और दूसरी ये कि कल मैनिफेस्टो लॉन्च होगा इंशाल्लाह 8 बजे, फिर उसके बाद थर्सडे को ग्रैंड टिकटॉक जलसा 9 बजे, फिर फ्राइडे को इंस्टाग्राम लाइव जो अर्बन यूथ के लिए जो टारगेट कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिव होगा, फिर सैटरडे को इंशाल्लाह बिग वर्चुअल जलसा फिनाली कह लें बड़ा जलसा, फिर उसके बाद मीट द कैंडिडेट्स के जलसे होते रहेंगे रोज ही, तो हर रात को आपको कोई ना कोई कैंडिडेट से जरूर मिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो चलो जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बड़ा लास्ट में हमने शुरू किया, बड़ा लंबा किया, और एक साहब जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनको स्पेस चलानी पड़ गई थी, तो उनके भी माजरत मैं चाहता हूँ, अब वो स्पेस बंद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।